Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all Hi everyone, Jai Sri Krishna to you all. Hope everyone is fine right now. So, kaise hain aap sab? Kaise hain everyone? Kaise hain aap sab? How you all guys? How you all people? So, please make me confirm that ki I am audible to you all guys, you all people. तो प्लीज कृपया करके आप लोग बिल्कुल भी ये मत पूछिए क्या हुआ था कैसे हुआ था, ठीक है, जो भी है जैसा भी है मैं आपको सब कुछ अपडेट करूंगा धीरे धीरे. तो वेलकम यू ऑल हियर इन द इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द आरएम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन राइट नाउ. तो आज हम लोग की जो टॉपिक है रिविजन टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है. तो हेलो गोवन, ऑल इज वेल, हेमंत, सुहाना, जय श्री कृष्ण टू यू ऑल गाइस. तो इस टॉक का नाम हम लोग देते हैं इनफॉर्मल टॉक. सो आई एम नॉट टीचर, यू आर नॉट टीचर, वी ऑल आर स्टूडेंट एंड हम लोग यहाँ स्टूडेंट की तरह बात करते हैं. अच्छा भैया एंड हुआ ऑडिबल क्या कोहन. तो जैसे कि यार मैंने आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एक मैंने दो पेज में भी मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया था, ठीक है. तो द मेन थिंग्स इज दैट कि जो दो पेज का शॉर्ट नोट था उसमें मुझे मजा नहीं आया. मैं सोच रहा था कि रिविजन फटाफट करवा लूँ, ये मेरे काम की चीज है जो लास्ट मोमेंट पे, ठीक है. लेकिन क्या है कि मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना यार सारे एनसीईआरटी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं डालू और क्वेश्चन ही पूछ लू. तो मैंने पूरे एनसीईआरटी के इतने अच्छे तरीके से मैंने बनाया, मुझे लग रहा है कि अच्छा. अब आप लोग लास्ट में बताओगे कि कैसा था आज का रिविजन सेशन, कैसा था. और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो एक प्रॉब्लम रहती है, एक जो दो पेज है लास्ट का, ठीक है, मेनली लोगों को प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन डाइजेशन में ही होता है कि चीजों का कैसे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, स्टोमिक में कैसे होता है, कौन सा एंजाइम कहाँ है. तो बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, एकदम एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमते हुए सारी चर्चा आपको कर लेंगे. तो आर यू ऑल गाइज रेडी? इफ यू आर रेडी देन थम्स अप. ओके, थम्स अप करो. और डिस्कॉर्ड ग्रुप को भी सबको ज्वाइन कर लो, ठीक है. और यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होने वाला है, जो भी टॉप फाइव में रहेगा वो मेरे साथ यूट्यूब पे उसका वो कास्ट किया जाएगा, ठीक है. तो आर यू ऑल गाइज रेडी? और हाँ, दूसरा चीज ये है कि कल टेस्ट है तो वन शॉट लगा लो. हाँ लगा लो, वन शॉट लगा लो. कल टेस्ट है तो टेस्ट के लिए वन शॉट लगा लेना आज रात को, कोई दिक्कत नहीं. एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट लगा लो. थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा समझने में, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, कुछ कुछ चीज याद कर लेना. विशाल तिवारी सर का वन शॉट लगाना, दो तीन घंटे का शायद उनका सेशन है. मैंने वेबकैम ऑर्डर कर दिया है उसके लिए. ओके, सो गोहन कांग्रेस टू यू, ठीक है. और इसीलिए मैंने टॉप फाइव को ही रखा है क्योंकि टॉप फाइव का बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो चलो ठीक है, चलो गाइस. तो आज का सेशन, हाँ हो सकता है कि डेढ़ घंटे का भी हो क्योंकि मैंने सारा चीज जो भी एनसीईआरटी में है उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने किया. तो हो सकता है कि डेढ़ घंटे का हो, ठीक है. देखो बहुत प्यार से मैंने क्रिएट किया है. एक ये था तो ये कि यार ये कैसे ही था, इसको हटाइए. अरे बहुत प्यार से किया है, मतलब जो ये इसको एक्चुअली ना मैं इसको डालता भी, इसको दे भी देता, लेकिन क्या है कि मेरी राइटिंग ऐसी है कि मैं ही समझ सकता हूँ यार. अब मेरी राइटिंग ऐसी है, क्या करूंगा मैं यार. अब अगले साल से, इस साल वाले के लिए तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम से जब कॉलेज हम सब रहेंगे तो उसके बाद इसको मैं, इस राइटिंग को किसी अच्छे राइटिंग वाले से मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है. ओके यार इसको लिखो, ठीक है. ओके और बताओ, और आप लोग बताओ कैसे हो. तो स्टार्ट करें, सब लोग आ गए, सब आ गए. गोहन दिख रहा है, ईशान दिख रहा है, फ्यूचर JERH, ठीक है. तो ये भी आंसर कर ही देता है. हेल्प का एचपी का भी हो. एक सेकंड ये सब ना हटा दूं, थोड़ा आउटलुक सही नहीं दे रहा ना.
केशव कृष्ण रामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलो सो एवरीवन रेडी रहो सब कोई। तो शुरू करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग किस चीज के साथ शुरू करेंगे बताइए, आप सब बताइए। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सबसे पहले कि यार व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एकदम एक इजी क्वेश्चन के साथ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, ठीक है। अब वर्क कैसे करती है, कितने कितने भाग में डिवाइड है, इस पर भी हम लोग पहले ये बताओ नॉर्मल डिफिनेशन दो, व्हाट इज डाइजेशन नॉर्मल डिफिनेशन, ठीक है। फटाफट आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। मैं आगे चल के वेट नहीं करूंगा, मैं एक 10-10 सेकंड ही टाइम दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है, ठीक है। एंड जिन्होंने यार अब तक सेशन को लाइक नहीं किया सो प्लीज लाइक द सेशन, ठीक है, प्लीज लाइक द सेशन। ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इनटू द सिंपल फॉर्म, ओके एकदम करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज दैट कि आप ये बताइए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने भागों में बटा है, एक भाग बटा है एलिमेंट्री कैनाल तो दूसरे भाग में बटा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट को बताओ और डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट को बताओ, ठीक है। ऐसे हम लोग पूरे को एकदम विजन बनाते हुए हम लोग काम करेंगे, एकदम विजन की तरह हम लोग काम करेंगे ताकि मजा आ जाए, ठीक है, एकदम मजा वाला मजा आ जाए कि हाँ लिटरली ऐसा रहेगा इसकी पूरा मजा आएगा, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखो एलिमेंट्री मुझे पता है कि आप टाइप करने स्टार्ट हो गए होंगे, तो मैं अब आंसर बताता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल वाले में क्या क्या आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है माउथ, माउथ के बाद क्या आता है, माउथ के अंदर रहता है बकल कैविटी, ठीक है, हाँ बकल कैविटी फैरिंग, फैरिंग के बाद इसोफिगस, इसोफिगस के बाद क्या आता है गाइस जल्दी बोलो, जब मैं बीच में छोड़ दूं तो उसके बाद आप लोग उठा लेना। इसोफिगस के बाद क्या आता है, स्टोमिक आता है, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। और स्टोमिक के बाद क्या आता है, मैं आप लोग का यहाँ पे देखते रहता हूँ कौन कौन सा किसके कमेंट आ रहा है। स्टोमिक के बाद क्या आता है, लीवर आई थिंक पैनक्रियाज भी आ जाता है और इंटेस्टाइनल जूस जो कि सका सेंटर है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतने हमारे पार्ट हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट हो गए, ठीक है। अब एक चीज को मैं और बताता हूँ कि अब देखो एक मैंने एनसीईआरटी में से ही नोट किया है कि फाइव प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले इंडाइजेशन है, उसके बाद क्या है, इंजेशन के बाद क्या है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद क्या है वो आपको बताना है जल्दी फटाफट से, बहुत डिस्कस करना है, एकदम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। एक पेज पर लिटरली हम लोग 10 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि आगे वाला 2-3 पेज आएगा जिस पर टाइम देना होगा, ठीक है। लास्ट बताओ जल्दी, फाइव प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट प्रोसेस इज दैट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, या बिल्कुल करेक्ट इजेशन, उसको एक्सक्रीशन बोलिए या फिर इजेशन बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। सुपर गॉन का आंसर है गया, आई थिंक मैसेंजर ही है और ये नहीं है, ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, ग्रुप में ही मैसेज करना, कोई प्रश्न नहीं की जाए कहीं पे कि सुनेहा भी वो लोग आ जाए, ठीक है। आई थिंक उन लोगों के पास राइट नो इज नॉट प्रोसीड और ही इज नॉट प्रेजेंट, ओके। तो सबसे पहले एक सवाल ये होता है कि डाइजेशन कैरी आउट बाय मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, भैया डिले है मे बी, ये हो सकता है कि मेरे कहने के 10-20 सेकंड के बाद आप लोगों तक आवाज जा रही हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे एंड से सब कुछ क्लियर है, मेरे एंड से सब कुछ ओके है, फाइन है। एंड गाइस जो भी चैनल पे न्यू है सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यदि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया है कि रिवीजन सीरीज कैसे कैसे हम लोग कर रहे होंगे और किस किस दिन कर रहे होंगे, ठीक है।
तो हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड में बंटा है, ये क्वेश्चन बन सकता है ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कहाँ कहाँ से है, तो माउथ फरिंजियल एसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, तो ड्यूडेनम जिस्टम इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, तो जल्दी बताओ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, जल्दी मैं भूल गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, जल्दी जल्दी जल्दी, सीकम कोलन एंड रेक्टम आता है ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कहां कहां से है, तो माउथ फरिंजियल एसोफेगस, आवाज लेट आ रही है, आई थिंक 10 सेकंड लेट यार, हो सकती है कि 10 सेकंड लेट हो, और कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर ये क्वेश्चन बन सकता है ठीक है। तो कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर जिनको भी याद है वो लोग लिख दिए होंगे फैरिंग्स ठीक है। अब बताओ ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या कहते हैं और फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप को क्या कहते हैं ठीक है। आई थिंक जिसको आता है वो लिख दिया, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ फूड पाइप गलत, ओके सब कैंसर सही है ठीक है, गॉन का भी फायदा ठीक है ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ फूड पाइप गलत, कोई दिक्कत नहीं आता, इतना मैनेज हो सकता है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। फूड पाइप के ओपनिंग को गलत बोलते हैं ना भाई, आई थिंक कि मैं गलत हूं, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप गलत गलत गलत, चलो ठीक है चलो मूव करते हम आएंगे तो। और कार्टिलेजिनियस फ्लैप तो है ना, तो कार्टिलेजिनियस फ्लैप ठीक है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप विच कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। अब इसका आंसर भरिए जल्दी, फिल इन द ब्लैंक्स भरो जल्दी, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको भरो जल्दी, एनसीईआरटी का लाइन है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू में बार बार है, ये सब टाइप के पूछ लिया जाता है। एपिग्लॉटिस ठीक है, एपिग्लॉटिस इसका आंसर होगा ठीक है। जस्ट यहां ठीक है ना, यहां ठीक है, चलो ठीक है, तो एपिग्लॉटिस आपका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट है ठीक है। अब चलो कुछ वर्ड है ठीक है, कुछ वर्ड है, तो कुछ वर्ड मैंने लिखा है, तो उस वर्ड पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक का जहां भी चर्चा हो तो हम लोग क्या समझेंगे, स्टोमिक समझेंगे कि वहां स्टोमिक की चर्चा हो रही है ठीक है, जहां भी गैस्ट्रिक है तो हम लोग स्टोमिक से, हिपेटिक है तो हिपेटिक से लीवर समझेंगे ठीक है, रीनल है तो रीनल से हम लोग किडनी समझेंगे ठीक है, और कार्डियो है तो कार्डियो से हम लोग क्या समझेंगे, फटाफट से आप लिख दो, रीनल से किडनी समझेंगे, हिपेटिक से लीवर समझेंगे, गैस्ट्रिक से स्टोमिक समझेंगे, और कार्डियो से क्या समझेंगे, तो कार्डियो से हम लोग हार्ट समझेंगे ठीक है, ओके।
फिर पता नहीं ये लोग मतलब टहलने चले गए हैं कि कोई मतलब आंसर देने वाला अभी कोई है ही नहीं। ठीक है चलो कोई ना, सीरीज अपने रिकॉर्ड हो ही रहा है, सब आने दो, आराम से अपनाएंगे। ठीक है पॉइंट अबाउट, अब देखो अब स्टॉमिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो स्टॉमिक पे चर्चा करने से पहले आई थिंक कि हम लोग को मूव करना चाहिए टीथ के ऊपर। ठीक है तो क्योंकि टीथ भी, टीथ क्या बफल कैविटी का पार्ट है। ठीक है तो माउथ के, टीथ के पे हम लोग आते हैं। तो अब बताना है हम लोग को टीथ की कितने टाइप का टीथ होते हैं प्रेजेंट हम लोग के पास माउथ बफल कैविटी में, टीथ जो है। ठीक है कि क्या क्या प्रेजेंट है हम लोग के बफल कैविटी में, तो टंग और टीथ दोनों प्रेजेंट है। तो हम लोग पहले टंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग टीथ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है हाँ मैं हूँ तो भैया, अब बिल्कुल बिल्कुल गोहन, यू आर राइट, तुम हो। ठीक है तुम हो। और क्या हुआ था, मैं कल क्यों नहीं आया था, कोई हमसे नहीं पूछेगा ये बात। ठीक है धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है टीथ का आ गया आंसर मेरे पास, टीथ फोर टाइप्स के हैं। ठीक है उसके बाद बकल कैविटी में क्या क्या होता है, तो टंग और टीथ दोनों होता है। ठीक है अब टंग जो होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है और वो क्या, तो टंग जो है, टंग वो क्या है, कौन सा मसल है, कार्डियक मसल है कि वॉलेंट्री मसल है। अब मैं आंसर बोलूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे, तो अब आप बताओ वो कौन सा मसल है, टंग में कौन सी मसल प्रेजेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है टंग में स्केलेटल मसल होता है। ठीक है और फ्रीली मूवेबल अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी दैट इज नोन एज द फ्रेन्यूलम, दैट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गवन, एंड स्केलेटल मसल भी दोनों करेक्ट आंसर गवन की तरफ से हमारे पास आ गया। ठीक है अपर सरफेस जिसको हम लोग पेपलिया बोलते हैं, पेपलिया क्या बियर करता है, क्या बियर करता है, पेपलिया टेस्ट बड को बियर करता है। ठीक है तो टंग में इससे बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी इतना ही बात कर रही है, हम लोग इतना ही करेंगे। अब टीथ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है तो टीथ कितने टाइप का है, फोर टाइप का। फोर टाइप में कौन कौन है, तो बोनोडंट, टीकोडंट, डाइफोडंट एंड मोनोआयोडंट, सॉरी हेटरोडंट। ठीक है जल्दी बोलो आंसर, बोनोडंट, टीकोडंट, डाइफोडंट एंड हेटरोडंट। थोड़ा सा आंसर तुम लोग का लेट आ रहा है लेकिन मुझे पता है 10 to 20 सेकंड का डिफर पड़ रहा है। ठीक है बट कोई ना मैनेज करो। थीकोडेंट एंड डाइफोडेंट। ठीक है तो डाइफोडेंट जो होता है वो दो टाइप, दो प्रकार का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो नहीं से, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। ठीक है जो मिल्क टीथ होता है उसमें हम लोग को क्या क्या होता है, तो इनसीजर, कैनाई, प्रीमोलर एंड मोलर होता है। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताओ फटाक से, और फिर एडल्ट का भी डेंटल फॉर्मूला फटाक से बता देना, मिल्क और परमानेंट का। मिल्क में कौन कौन से एब्सेंट होते हैं ये भी बताना है जल्दी। मिल्क में एब्सेंट कौन कौन से होते हैं वो भी बताना चलते। हाँ ठीक है परमानेंट को ही हम लोग डेसिडियस कहते हैं, चलो ठीक है सही है। तो मिल्क टीथ में प्री मोलर पूरा एब्सेंट होता है और लास्ट का मोलर हमारे पास एब्सेंट होता है। ठीक है तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2102। ठीक है परमानेंट का क्या हो जाएगा 2123। ठीक है दोनों सही है। ठीक है तो बहुत सही, गॉन का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने उनने वाला आई थिंक नहीं है, तो डेंटल फॉर्मूला 2123 हो गया, अगर बनेगा क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। ठीक है बात खत्म कीजिए। ठीक है क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब हम लोग एपिग्लॉटिस को देख लेते हैं, तो एपिग्लॉटिस को तो हम लोग देखेंगे कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट ऑन द ग्लॉटिस दैट इज, एंड ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, व्हाट ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ये बात को याद रखना। मैं उसमें ग्लॉटिस द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और ग्लॉटिस एक और काम को करता है जो कि प्रिवेंट करता है किस चीज का, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है किस चीज का, एंट्री ऑफ फूड, कहा एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ठीक है आ रहे धीरे 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 आ रहे फुल फॉर्म में आ रहे, थोड़ा सा वेट करो। आई थिंक फेरिंग सो ही गया कॉमन पैसेज फॉर द एयर एंड फूड। ठीक है अब हम लोग आते हैं स्टोमिक पे, अब यहाँ से गेम शुरू होता है, तो अब जल्दी बताओ स्टोमिक का शेप बताओ।
स्टोमेक का शेप बताओ, स्टोमेक का शेप। जी शेप, ठीक है। स्टोमेक में फूड कितनी देर तक रहता है, पहले लाइन पर चर्चा कर लेते हैं। स्टोमेक में फूड कितने देर तक स्टोर होता है? यार पता नहीं, मैसेंजर ये सुने हैं, सुहाने की लोग कहाँ चली गई। ठीक है, स्टोमेक में कितने देर तक होता है फूड स्टोर? स्वीटी भी नहीं है अब तक। स्टोमेक में 4 to 5 hours, ठीक है। स्टोमेक में 4 to 5 hours, ठीक है। और स्टोमेक में जो मस्कुलर मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, उस मस्कुलर मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टाइलिसिस और चर्निंग मूवमेंट, दोनों में से एक ही होगा। मैंने ऑप्शन भी दे दिया, फटाफट 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 फटाफट। स्टोमेक में चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है, हो गया। और स्टोमेक में जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेक में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोश बना रखता हूँ। स्टोमेक में जो पाए जाते हैं, जो सॉरी, स्टोमेक में जो ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्लैंड कौन से पाए जाते हैं? और गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द इनफॉर्मल टॉक सेशन, नॉट वी आर टीचर। तो हम लोग यार नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, तो इसका कब कब सेशन चलेगा इसका मैंने रूटीन ग्रुप में डाल दिया, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डिस्कॉर्ड में जाकर सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल देख लो, डिस्कॉर्ड भी बना दिया गया है, धीरे धीरे आपको रूल पता चल जाएगा। और चैनल पे अगर सबके साथ में पढ़ाई करो, ठीक है। होमियो साइड आपका स्वागत है, ठीक है। आपका भी आंसर आएगा गैस्ट्रिक, ठीक है, सॉरी ये इसोफेगस का है। जैसे क्या तुमने लिख दिया, क्या किस लिए सॉरी लिख रहे हो? मैंने नहीं समझा, ठीक है। और अगर पेरिस्टाइलिसिस, अच्छा पेरिस्टाइलिसिस, ओके हाँ बिल्कुल, पेरिस्टाइलिसिस नहीं होगा, द मूवमेंट विच इज इन स्टोमेक, दैट इज द चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। एंड द मेन थिंग्स इज दैट कि अब हम लोग स्टोरेज स्टोरेज ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड इन स्टोमेक, दैट इज नोन एज काइम, ठीक है। तो अब देखो, इसोफिगस से जब हम लोग नीचे आते हैं तो स्टोमेक के जिस पार्ट में इसोफिगस खुलता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिये कहते हैं या फिर बॉडी कहते हैं, जल्दी बताओ। कार्डिये कहते हैं, फिर फंडस कहते हैं, फिर बॉडी कहते हैं, कार्डिये कहते हैं। और कार्डिये के बाद जस्ट ऊपर में होता है फंडस, फंडस के नीचे जो सबसे वाला पार्ट होता है वो कहता है बॉडी, एंड बॉडी के बगल में पैंक्रियास। तो सबसे पहले ये बताने कि जितने भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेक में, उस स्फिंक्टर का नाम क्या क्या है, उस स्फिंक्टर का नाम क्या क्या है? बिल्कुल एक नंबर, एक नंबर, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। होमिसाइड का भी सही है एंड गौहर का भी सही है, ठीक है। उस स्पेक्टर में गैस्ट्रो इसोफिगल स्पेक्टर है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक पाइलोरिक स्पेक्टर। तो पाइलोरिक स्पेक्टर कहां जाके, पाइलोरिक स्पेक्टर तुमको कहां जाके खुलता है? गैस्ट्रो इसोफिगल स्पेक्टर तो आप लोग समझ गए, ठीक है, जो कि आपको इसोफिगस लगा होता है। बट कार्डियक स्पेक्टर कहां जाकर खुलता है, कहां लगा होता है, ये बताइए। और अगर अब तक मजा आया तो लाइक ठोक दो और आग लगा दो। और ये बताओ कि जहां तक अब तक हम लोग रिवीजन किए हैं, क्या एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट छूटा है? कुछ भी छूटने नहीं जा रहा है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर होगा लास्ट लास्ट तक। अर्जुना नीट 2.0, अर्जुना क्लास 11th के लिए कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लो, जो आ रहा है बताओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे आ ही गए हो, अब चैनल पे जुड़ो और स्टडी लाइव विद मी सेशन करो मेरे साथ, मजा आएगा, ठीक है। और बस सपोर्ट करो, ठीक है, आगे हम लोग हैं तुम्हारे साथ, सबके साथ हैं हम लोग, जो आया उसका करो, बाकी मजा लो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कुछ कुछ चीजों को, जहां क्वेश्चन तो मैं पूछी, क्वेश्चन सीरीज इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा भी रिवीजन हो और सबको आंसर भी दे पाए। आगे मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में मजा आने वाला है आज, ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा। और गोहन तुम बताना कि एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा है, जिस पोर्शन में मुझे दिक्कत होता था मैं उसे ही एक्सप्लेन करूंगा आज। अभी तो इसको क्या एक्सप्लेन करें, इसको पढ़ाने चले जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छा भैया एक लाइन ऐड कर लो, इसोफेगस इज पोस्टीरियरली प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सही, एनसीईआरटी का लाइन है ना, मैं छोड़ रहा था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन
esophagus is posteriorly present, ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया। और अगर आप चैनल पर गाइस न्यू हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टाइम टेबल को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का स्टडी लाइव विद मी सेशन चलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने अपडेट कर रखा है कि रिवीजन सेशन कैसे और किस फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है। एंड जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं है सो प्लीज लाइक द सेशन एंड बी विद अस देयर मेक सपोर्ट सपोर्ट बना रखो, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोगों ने स्टोमिक के बाद, स्टोमिक के बाद हम लोग किस चीज का रिवीजन करना है, स्टोमिक के बाद हमारा पोर्शन होगा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे गाइस, तो बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन पहले कितना कितना मीटर लंबा है, ठीक है। ये हालांकि एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं है, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि कितना मीटर लंबा है, ठीक है। तो 7 मीटर लंबा है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में बटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में बटा है। मैं देख रहा हूं आप लोगों का कमेंट, देख रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में बटा है। तो गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन बटा है ड्यूडेनम, जेजनम, यिलियम। आई विल नोट दिस, अच्छा नोट कर लो, या बिल्कुल तीन पार्ट में बचा है, तो ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ठीक है। अब ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम के भी साइज पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि हम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनते देखा नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं, और इजी है, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब बताओ ड्यूडेनम का शेप क्या है, शेप बता दो, ठीक है, फ्लाइंग कलर्स या वेलकम ही है, ओके आपका भी आंसर सही है फ्लाइंग कलर्स का, ड्यूडेनम सी शेप का होता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और कभी ना कभी बना भी है, ठीक है। जेजनम का शेप बताइए, तो जेजनम जो है, अच्छा जेजनम क्या है, तो जेजनम मिडिल पार्ट है, और इलियम क्या है, तो इलियम सबसे नीचे टर्मिनल पार्ट है, यहां से कुछ बनता होता नहीं है, तो ठीक है हटाइए। अब लार्ज इंटेस्टाइन बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर का है, लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर का है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर का है। एंड व्हाई लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है और स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का है, फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं है, इसका भी आंसर किसी को पता हो तो दे दो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो एकदम आप जाइए डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल देखिए, और कल से बिल्कुल ही आप ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं मैं कहूंगा आज से ही आप ज्वाइन कीजिए स्टडी लाइव विद मी सेशन, बहुत मजा आने वाला है। सपोर्ट अपना बनाए रखिए, प्यार अपना बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। No idea about length. The length is 1.5 meter. ठीक है, 1.5 meter. और देखो, हाँ, ठीक है, तो देखो इसलिए मतलब हम लोग डायमीटर के कारण, यार आंसर आ गया, अमृतांशु का आंसर आ गया डायमीटर के कारण, ओके सुपर सुपर। तो देखो इसलिए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि जबकि लेंथ लंबाई में बड़ी है लेकिन डायमीटर में चौड़ा कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसीलिए छोटा होने के बावजूद भी उसको हम लोग बड़ा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमीटर में बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, नहीं काम है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ खास काम नहीं है डाइजेशन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में काम करता है, ये तुम सबको पता होगा। तो मैंने इस तरीके से सब कुछ किया है कि सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग उतना ही करते हैं जितना काम का है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने भाग में बटा हुआ है ये बताओ, तो तीन भाग में बटा हुआ है, किस किस भाग में बटा है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम में बटा हुआ है, ठीक है। नहीं ये YouTube पे ही ठीक है, YouTube पे ही सही रहेगा, डिस्कशन सेशन इज ऑन YouTube, और डिस्कॉर्ड मैंने आप लोगों को एक रूम दिया है ताकि एक आप YouTube पे भी रहो मेरे साथ, ताकि मैं हूं और डिस्कशन सेशन में भी आप लोग डिस्कॉर्ड पे भी रहो, डिस्कॉर्ड में कास्ट करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जिसको। और मान लो कोई कोई बच्चा ये है कि जो डिस्कॉर्ड पे नहीं रहता तो वो यूट्यूब पे भी रहेगा, ठीक है, कोई, और दोनों जगह जो रहता, दोनों जगह मेनली दोनों जगह ही रहता है सब लोग, दोनों जगह ही, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह नहीं रहा तो पॉइंट बढ़े नहीं, रीच भी बढ़ जाएगा भैया का, रहने दो यहीं पे, हाँ बिल्कुल गवान सीकम कोलन रेक्टम आंसर, ओह माय गॉड। तो चलो सीकम के बारे में कुछ बताओगे, सीकम के बारे में कुछ बता रहे हो, आ हा हा सीकम के बारे में कौन बता रहा है, जल्दी बताओ,
हाँ डिस्कॉर्ड पे कभी कभी मतलब मैं रख लूंगा टॉकिंग सेशन, डिस्कॉर्ड पे टॉकिंग सेशन आप लोगों के साथ फेस टू फेस में रखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम आता तो उसका राइट टाइम। पहले चैनल को यार जल्दी से जल्दी 5,000 के पास ले जाओ आप सब मिलकर जल्दी। They have some symbiotic microorganism. Superb, 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 superb. Gone cancer आ गया, they have some symbiotic microorganism and I'm waiting for the some odd and कुछ और answer के लिए मैं wait कर रहा हूँ। और blind sac भी होता है cecum, ठीक है। और उसका क्या होता है? क्या होता है? Vermiform appendix arises from cecum, जो कि vestigial होता है। ये मत भूलो, ठीक है? और सीकम जो है एनिमल्स में वेल डेवलप होता है और सीकम जो है ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हम लोग जन्मजात हर्बीवोरस थे। क्या थे? हर्बीवोरस थे, ठीक है। हम लोग शाकाहारी खाने के लिए ही जन्म हुए थे, ठीक है। अब जो जो लोग तर्क देते हैं, कुतर्क कुतर्क, उसको मैं तर्क नहीं करता, कुतर्क मतलब बेकार से तर्क, कि हमारे पास भी ईश्वर ने कैननाई दिया है। कैननाई तो कैननाई तो यार मीट खाने के लिए होती है, नॉनवेज खाने के लिए होती है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यार अगर ईश्वर कैननाई नॉनवेज खाने के लिए दिए होते तो बड़े बड़े दिए होते, जैसे शेर के होते कि जाओ मार कर खा जाओ कच्चा, ठीक है। हम लोग का जो कैननाई है ना, वो गाजर मूली काटने के लिए दिए। किस लिए दिए हैं? किस लिए ईश्वर ने हम लोग का कैननाई बनाया है? जल्दी लिखो, गाजर मूली काटने के लिए। किस लिए? गाजर मूली काट लेंगे, ना कि नॉनवेज काटने के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, मजा आया, मजा आया तो जल्दी लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। अरे जितने भी मतलब बैठे हुए हैं ना फेक टाइप के इंसान, ठीक है, नहीं नहीं जो मतलब इस बात को बढ़िया से डिफाइन करने बैठ जाते हैं कुछ कुछ चीज, ठीक है, जो मतलब सनातन के मूल कल्चर एंड दिस ऑल थिंग्स पे टारगेट करने के लिए, उनके लिए मैं बैठा हूँ उनको आंसर देने के लिए, ठीक है। मैंने सुना था एक भारत के कोई भगोड़े हैं जो भारत से भाग चुके हैं, गलत गलत चीजों को फैलाते थे, ठीक है, एंड वो कन्वर्ट करते वक्त वो ये बता रहा है कि ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे हम लोग को कहने दिया मांस खाने के लिए, ये चबाने के लिए। यार भाई ईश्वर ने आपको एक इंसान ही ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एनिमल जिसके पास चेतना है, हु हैव द चेतना कॉन्शियसनेस है, ठीक है, बाकी किसी के पास चेतना और कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ईश्वर ने आपको कपड़ा भी तो दिया कपड़ा पहनने के लिए, जानवर के पास तो कपड़ा नहीं होता है ना, तो आप बिना कपड़े घूमोगे? आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो छोड़ो अब इन बातों को, एक टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, इन चीजों के लिए एक अलग चैनल बना देंगे। तो चलो अब बताओ सीकम के बाद कोलोन, कोलोन में फोर पार्ट होते हैं, ठीक है, उस फोर पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो मुझे याद आ रहा है असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग के बाद कौन सा पार्ट होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स के बाद कौन सा होता है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के बाद कौन सा होता है जिसको एनसीईआरटी ने अभी अभी इंक्लूड किया है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। डिसेंडिंग के बाद कौन कौन सा होता है जिसको एनसीईआरटी ने अभी अभी इंक्लूड किया है? सिग्मोइड होता है, ठीक है। आप लोग की आंसर मेरे तक लेट आ रही है बट मुझे पता है आंसर आ चुका होगा, ठीक है। एसेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मोइड, चलो ठीक है, एक नंबर। अब इसके बाद रेक्टम पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब रेक्टम पे बताइए रेक्टम कहां से ओपन होता है? तो रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, ठीक है, और एनस इज गार्डेड बाय विच स्फिंक्टर? जो एनस है वो गाइड हो रहा है, कहां से हो रहा है गाइड? गाइडेड बाय विच स्फिंक्टर, कौन सा स्फिंक्टर से? जल्दी एनस 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 किस स्फिंक्टर से हो रहा है गाइडेड? एनल स्फिंक्टर से हो रहा है क्या? एम आई राइट इज इट एनल स्फिंक्टर? तो चलो दैट्स ग्रेट सुपर, ठीक है। और एनल स्फिंक्टर पे जो मसल लगा हुआ है उस मसल का अगर नाम बता दो, हालांकि ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन नाम बता दो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। एनल स्पिंक्टर पे जहां से मतलब एनल स्पिंक्टर गाइडेड हो रहा है, ठीक है, एनल स्पिंक्टर से, ठीक है, रेक्टम गाइडेड हो रहा है, तो उस पे जो मसल लगे हुआ है वो मसल का नाम बता दो। तो नो आइडिया, तो मसल का नाम है सर्कुलर वॉलेंट्री मसल। क्या है? सर्कुलर वॉलेंट्री मसल, इसको नोट करो, ठीक है, लिख सकते हो, हालांकि क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, नहीं आएगी, ठीक है,
लेकिन इसको लिख लेना, ओ माय गॉड मैं लेट हो गई, या देखो मैं तुम्हें याद कर रहा था, सबको मैं बता रहा था कि स्वीटी एंड मैसेंजर ने सुनेहा भी नहीं है, ठीक है, और अब आप लोग सेशन में भी बिल्कुल भी नहीं, सेशन में आप सब थोड़ा साथ रहो, सबको को साथ रहना है सेशन में, ठीक है, और आरंभ है पे जितने भी डेडिकेटेड होंगे सब उनका एक स्पेशल ग्रुप अलग बनता चला जाएगा, जो आप लोग को पता ही है, अंकित भाई ने इस बारे में आपको बताया ही होगा। तो चलो ठीक है, मजा तो आ रहा है ना, जिसको मजा आ रहा है वो आज लाइक ठोको और आग लगा दो तो कमेंट में तेजी में फटाफट से, मुझे भी एनर्जी चाहिए यार, थोड़ा एनर्जी तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी भी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, आज पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का डिस्कस हो जाएगा, एक एक चीज डिस्कस हो जाएगा, मैंने बहुत प्यार से बनाया है नोट को, बहुत प्यार से बनाया है, मैं एक शॉर्ट नोट बनाया था अपने लिए लेकिन इसमें मुझे मजा नहीं आया, तो मैंने कहा कि नहीं भाई इतना डिस्कस करा के कैसे जा सकते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं यार होगा तो पूरा ही डिस्कस होगा, आग लगा दिया, ठीक है, जल्दी से आग लगाओ, चलो आग लग चुकी है, ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं द मेन थिंग्स इज दैट जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा लेयर को पढ़ते हैं, तो ट्रांसवर्स कट सेक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं, तो ये लो ऐसा है ट्रांसवर्स सेक्शन, तो फटाफट से सारे लेयर का नाम बताओ, स्वीडियो भी एलिमेंट्री कैनाल ही डिस्कस हो, एसोसिएटेड ग्लैंड पूरा बाकी है, मेनली एलिमेंट्री कैनाल सबको आता ही है, एसोसिएटेड ग्लैंड बाकी है, तो आप एसोसिएटेड ग्लैंड में तो आ ही चुके हो, मजा आएगा एसोसिएटेड ग्लैंड, और एसोसिएटेड ग्लैंड को मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा ही लेकिन मैं डिस्कस भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, और आप लोग बताना कि एक्सप्लेन मैंने कैसा किया है, क्योंकि एसोसिएटेड ग्लैंड में कुछ पार्ट मेरी हमेशा से कमजोर थी, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं उसी को डिस्कस करूं। ओ माय गॉड गौहन का सीओशा मस्कुलर एसेस सब म्यूकोसा देन म्यूकोसा सुपर एस 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 एम सुपर आंसर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सीरोसा मस्कुलोसिस सब म्यूकोसा देन म्यूकोसा, ठीक है, ओ माय गॉड सुपर, अरे मुझे पता है यार मैं समझ गया, ठीक है, अब चलो सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है, कैसा है, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, ठीक है, और जिस चीज से वो बना है उस चीज का नाम बताओ, सीरोसा इज मेड अप ऑफ, एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, सीरोसा इज मेड अप ऑफ, सीरोसा इज मेड अप ऑफ मीजोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, किस चीज से बना है, मीजोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सिटी मैंने आउटर से इनर पूछा था, ठीक है, बट आपने इनर से आउटर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है, हाँ, तो सीरोसा किस चीज से बना है, मीजोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है, हाँ मीजोथीलियम या एंडोथीलियम, सही है आपके, कौन सही है, एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सेशन को प्लीज लाइक कर दो, योर एवरी सिंगल लाइक मोटिवेट्स अ लॉट, डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल दे रखा है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लोग स्ट्रीम चलेगा, ठीक है, और दूसरी चीज की सेशन को यार लाइक कर दो पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम लोग आते हैं मस्कुलरेसिस पे, अब हम लोग आते हैं कहा मस्कुलरेसिस पे, तो अब मस्कुलरेसिस के बारे में बताइए, मस्कुलरेसिस जिस मसल से बनी है वो कौन सी मसल है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, कौन सी मसल, क्या नहीं सुना स्वीटी, क्या नहीं सुना आपने, स्मूथ मसल, चलो ठीक है ठीक है, यानी मस्कुलरेसिस कंप्लीट हो गया, स्मूथ मसल और इनर मस्कुलरेसिस में इनर सर्कुलर मसल होता है और एक एक आउटर होता है, आउटर क्या होता है जल्दी बताइए, आउटर क्या होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, तो अब इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, तो पता है मेरी ट्रिक क्या थी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था, ठीक है, आईसी, आईसी सर्किट तो हम जानते ही है, तो आईसी यानी आई मतलब इनर और सी मतलब सर्कुलर, ठीक है, और ओले 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 खाए हैं आप लोग बचपन में, ठीक है, तो ओले ओ फॉर आउटर और एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, ओले ओले, ठीक है, तो यहां से हम लोग को याद हो गया, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होगा आई थिंक कि आज के बाद उनको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, अब मस्कुलरेसिस प्रेजेंट कहाँ होती है, द आउटर टू सब म्यूकोसा, सब जगह प्रेजेंट होती है, अब सब म्यूकोसा के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से लगाइए क्वेश्चन, सब म्यूकोसा यहां से बनता है, सब म्यूकोसा कंटेन
नर्व कंटेन करता है, ब्लड वेसल को कंटेन करता है, उसके बाद लिम्फ वेसल को कंटेन करता है, ठीक है, नर्व ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल, ठीक है, सब मिलकर से कंटेन नर्व ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल, ठीक है। और सब म्यूकोसा में स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, सब म्यूकोसा में स्मूथ कनेक्टिव, स्टोमिक में एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक होता है, ये देखो एनसीईआरटी बेस हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि स्टोमिक में एक एक्स्ट्रा होता है ऑब्लिक होता है, एनसीईआरटी में उतना ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो स्टोमिक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा नहीं कर पाए थे, बाबा नहीं कर पाए थे ना, तो इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है, स्टोमिक में एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक लिखा था, ठीक है। सभी को सब बोलो जल्दी, ड्यूटनम के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो हाँ हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में है छुट्टी है, मैं समझ गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, ड्यूटनम में, ठीक है, ड्यूटनम के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ड्यूटनम के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो जो ग्लैंड होता है आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है। अब म्यूकोसा के बारे में देख लेते हैं, म्यूकोसा सबसे अंदर का लेयर है, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है, म्यूकोसा सबसे अंदर का लेयर है, ठीक है, ये हम सबको पता है, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव, चलो ठीक है। और इपिथेलियल टिश्यू म्यूकोसा में पाया जाता है, ठीक है, और म्यूकोसा किस चीज को कंटेन करता है, तो सेक्रेटरी और एब्जॉर्बेशन को कंटेन करता है, ठीक है। म्यूकोसा जो होता है एक लाइनिंग को फॉर्म करता है, और वो लाइनिंग कहां से कहां तक होता है ये आप बताइए फटाक से, म्यूकोसा एक लाइनिंग को फॉर्म करता है कहां से कहां तक करता है, म्यूकोसा एक लाइनिंग को फॉर्म करता है कहां से कहां तक करता है, और म्यूकोसा विलाई को भी फॉर्म करता है, तो विलाई को कहां करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन में, ये भी बताइए, नहीं म्यूकोसा, हाँ म्यूकोसा देखो, हाँ ठीक है ठीक है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में लाइन को फॉर्म करता है, ठीक है, और रुगे इन स्टोमिक में करता है, ठीक है, और फॉर्म्स विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, विलाई को फॉर्म करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रुगे इन स्टोमिक, ठीक है, एंड फॉर्म्स लाइनिंग इन द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, गॉट इट माय डियर, माय डियर गोहन स्वीटी एवरीवन, गॉट इट, मैं थोड़ा एक चीज देखना था, मैं इसके लिए अपना मेन नोट लेकर आया हूँ, ओके 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 एवरीवन, यहाँ सबको 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 हो गया, तो म्यूकोसा पे भी हम लोग चर्चा कर रही है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, और कौन सा अपीयरेंस देता है ये भी बताना है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो बताओ 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 जल्दी एनसीईआरटी की लाइन से, भाई मेरा आवाज तो थोड़ा लेट जा रहा है, ठीक है, आई थिंक माइक्रोविलाई, ओके द राइट आंसर इज माइक्रोविलाई, और वो कौन सा प्रोजेक्शन देता है, कौन सा प्रोजेक्शन देता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, ठीक है। अब एक अनदर क्वेश्चन, म्यूकोसा फॉर्म द क्रिप्ट्स ऑफ द म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई एंड इंटेस्टाइन, द बेस ऑफ विलाई एंड इंटेस्टाइन म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्ट्स एंड दैट क्रिप्ट्स इज नोन एज, इजी, अ वेरी इजी, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, खून, ओके गॉट इट, आई थिंक कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोगों ने चीर फार कर दिया, एलिमेंट्री कैनाल का भी हम लोगों ने चीर फार कर दिया, क्वेश्चन भी कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चन क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, अभी तो क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो एसोसिएटेड ग्लैंड से बनेगा, अच्छा होगा वहां पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
एक चीज देखना था मुझे, मैं बाद में देखूंगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड इज नोन एज एसोसिएटरी ग्लैंड, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है ये बताना है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है, सीक्रेट करना डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंक्लूड क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड है पहले ये बताइए, तब हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। फटाफट 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 फटाफट। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंक्लूड है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लीवर। ओके चलो चल रही कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, मुझे पता है इसका आंसर, स्वीटी को भी पता है, कौन को भी पता है, दोनों अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। मुझे भी पता है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब पार्ट है। ओके सुपर सुपर, सबका आंसर आ गया, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड पे। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्यों कौन कौन सा पाया जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड में सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, PARATOID, ठीक है। पैराटाइड बोलो या फिर थायराइड बोलो या फिर क्या, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं पैराटाइड ही बोलता हूँ। पैराटाइड ग्लैंड, सब मैक्सियल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, थ्री, ठीक है। अब इसमें थ्री पेयर होते हैं, यानी छह होते हैं, सब में दो दो पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो कहाँ देखने में मिलता है, तो चिक सेल में देखने को मिलता है। और ये क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, कभी मिस होगा नहीं होगा, पैराथायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सब मैक्सियल या सब मैंडिबुलर सीन लोअर जॉ, कहाँ देखने को मिलता है, लोअर जॉ, बिलो द जॉ, ठीक है। एंड सब लिंगुअल कहाँ देखने को मिलता है, टंग के बिलो, कहाँ मिलता है, बिलो द टंग, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है ये, द अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड द फीसेस इंटरप्ट इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू, PYQ का क्वेश्चन है, थ्रू द अनडाइजेस्टेड, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, द अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड द फीसेस इंटरप्ट इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू। And the option is pyloric sphincter, gastroesophageal sphincter, ileocecal valve, sphincter of Ordeig. तो easy है यार, feces वाला कहानी आ गया। तो जैसे ही feces आ गया, feces को देखते हैं आप लोग किसको मारोगे? Ileocecal valve. किसको मारोगे? Ileocecal valve. चलो मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है, तो you all are right, ठीक है। मैं सारा डॉट क्लियर करवा दूंगा आगे, चलो ना, मैं सब सब क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा इसका डक्ट क्लियर, डक्ट कंफ्यूजन करता है, इसके डक्ट में क्या कंफ्यूजन आपको होता है ये बताइए, कि स्मॉल कौन है। अच्छा डक्ट का नाम में कंफ्यूजन होता है, चलो मैं अभी इसको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। देखो पैराथाइड ग्लैंड में जो डक्ट परसेंट है, एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है, पैराथाइड ग्लैंड में जो डक्ट परसेंट है वो मैंने इसको शॉर्टकट में अपने इंक्लूड नहीं किया, तो मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पैराथाइड ग्लैंड में जो डक्ट परसेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है। पहले डॉक्ट का नाम तुम लोग लिखो, जिसको जो जो याद आ रहा है, ठीक है। आंसर तो मेरे पास इलियोसिकल वर्ब आ गया मेरे क्वेश्चन का, जिसको जो जो डॉक्ट याद आ रहा है वो डॉक्ट का नाम लिखो, ठीक है। पैराटाइड ग्लैंड में कौन सा डॉक्ट पाया जाता है, तो एक्सटेंशन डॉक्ट, STENSON एक्सटेंशन डॉक्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक डॉक्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा डॉक्ट पाया जाता है, सॉरी अरे यार पैराथाइड में क्या, सब मैक्सियल या सब मैंडिबुलर में कौन सा डॉक्ट पाया जाता है, वाटसन डॉक्ट, ठीक है, वाटसन डॉक्ट। तो WARTONS डॉक्ट, ठीक है। मैं इजी बता रहा हूँ यार, मैंने कैसे याद किया इसको, एकदम इजी, कोई डॉक्ट में कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होना है। डॉक्ट प्रेवनेस, देखो इसका याद करने का स्वीटी ट्रिक यह है कि पैराथायराइड ग्लैंड में एक्सटेंशन डॉक्ट, ठीक है, तो और सब मैक्सियल या सब मैंडिबुलर को ऐसे याद करो, SW, ठीक है, SW,
तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, तो एस डब्ल्यू ठीक है, एस डब्ल्यू स्वान कुछ ऐसे रिलेट करो, एस डब्ल्यू ठीक है, एस डब्ल्यू तो वाटसन डक, कैसे वाटसन डक ठीक है। वाटसन एक प्लेयर भी हुआ करता था, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का ठीक है, मैं इतनी बातें बता दे रहा हूँ ना कि तुम्हारे माइंड में विजन बन जाएगा ठीक है। तो वाटसन, वाटसन जो था ना, वाटसन एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी हुआ करता था ठीक है। तो वाटसन का काम क्या था कि वो स्टिक उठाकर अपने बच्चे को मारते रहता था ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ बना लो मन में ठीक है। तो एस फॉर स्टिक, तो एस फॉर सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ठीक है, डब्ल्यू फॉर वाटसन, वाटसन तो वाटसन डॉक्टर, आई थिंक ये नहीं भूलोगे। तो जब एस डब्ल्यू फॉर सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर वाटसन डॉक्टर, तो ठीक है, तो पैराथायराइड के लिए क्या हो गया, पीएस। अरे पुलिस स्टेशन कभी भूलोगे क्या, पुलिस स्टेशन कभी भूलोगे, पीएस पैराथाइड एक्सटेंशन, अरे कभी भूलोगे। जल्दी मजा आया तो जल्दी स्वीटी, आप आग लगाओ जल्दी, आपके लिए ही था ये स्पेशल फॉर यू, मजा आया तो आग लगा दो। उधर अपने वार्तम भैया को कभी मत भूलना, एस डब्ल्यू ठीक है। और पता है ऐसे भी याद रख सकते हो, वाटसन का, वाटसन का जो सबसे फेवरेट बैट्समैन था जिसके साथ वाटसन बैटिंग करने आता था ठीक है, सेन वाटसन। अरे सेन वाटसन ऐसे ही तो याद रखो ना, सेन वाटसन का नाम ही सेन वाटसन था, वाटसन का नाम ही सेन वाटसन था, एस फॉर सब एक्चुअली सब मैंडिबुलर एंड वाटसन फॉर वाटसन डक ठीक है, पी एस ठीक है, पैराथायराइड और एक्सटेंशन डक। और आखिरी बचा छोटू सू, अपना तो छोटू सू रेवनस हो गया, तो इसको याद कर लो, सब लिंगुअल का रेवनस, जब दो याद हो गया तो तीसरा खुद याद रहेगा, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है। आगे तो ठीक है स्वीटी का, आई थिंक कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होने वाला ठीक है। तो लार्जेस्ट लार्जेस्ट डक्ट हमारा कौन सा है, पैराटाइड डक्ट। फिर भी जो पैराटाइड है ना, सिर्फ 25 से 30% ऑफ सलाइवा को सेक्रेट करता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो है ना वो लार्जेस्ट नहीं है, फिर भी 70% ऑफ सलाइवा को सेक्रेट ये करता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ठीक है। और मोली 5% को करता है कौन, सबसे छोटू अपना रेवनस ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ठीक है। एंड गाइस इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन और सीधी टाइम टेबल, हम सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा हो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हो रहा है, वी ऑल आर स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सब स्टूडेंट है, तो यहाँ टीचर के लेवल पर बात नहीं, यहाँ एक इनफॉर्मल टॉक हो रहा है ठीक है। और आप आओ लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करो, मजे से हम पढ़ाई करते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ डाल दिए हैं ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां से देख लेना ठीक है। वहां से मैंने डाल दिया कि रिवीजन सेशन का टाइमिंग क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो लास्ट में मैं बात करूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज का सेशन यार 1.5-2 घंटे का भी हो सकता है, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे तो चर्चा हो ही रही है, तो लाइक ठोक दो इसी बात पे, जल्दी ठोको तो गो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पानी पीकर हल्का ब्रेक लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको एक एक चीज को खत्म करेंगे। और जो छूट रहा होगा वो आप लोग बताना, जैसे गौहर ने मुझे बताया एनसीईआरटी में इसोफिगस वाली बात ठीक है, मैं क्या छोड़ रहा था कि इसोफिगस इज पोस्टीरियरली प्रेजेंट ठीक है, तो गौहर ने बताया, तो ये आप लोग बताना कि एनसीईआरटी का भैया ये लाइन छूट गया या फिर गौरव ये लाइन छूट गया, आप लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हो, भैया गौरव दोस्त कुछ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इट इज, एकदम इनफॉर्मल रहो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, मैं भी आप सबके साथ इनफॉर्मल हूँ, नो नीड ऑफ प्रोटोकॉल एंड दिस ऑल थिंग्स। नहीं ईशान देखो लाइव स्ट्रीम में वैसा कोई ऐप नहीं मिल रहा है ठीक है, तो हालांकि मैनेज करो ठीक है, हाँ मतलब मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जब रिवीजन हो तो एक घंटा मान जाता है, आप लोग कमेंट मेरे तक लेट पहुंच रही है, आई थिंक कि बहुत मतलब लेट ये सब वर्क कर रहा है ना। एक लाइन ऐड कर लो, जेजनम इज द लॉन्ग एंड द क्वाइल एंड इलियम इज द हाइट क्वाइल पार्ट, यार मैं इसको इसलिए ऐड नहीं किया था, नहीं ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लेकिन चलो मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है। कहाँ गया, जेजनम इज द लॉन्ग एंड क्वाइल इलियम इज द हाइट क्वाइल पार्ट, इजी है यार ये याद है मुझे ठीक है, लेकिन चलो बता दिया करो ऐसे ठीक है, इलियम इज हाईली क्वाइल पार्ट, लेकिन चलो मैं ऐड कर देता हूँ, मन में संदेह उत्पन्न करा दिए तो ऐड करना चाहिए। कहाँ गया रे, आजा रे, मिल जा मेरे भाई, अब मिल ही नहीं, अब मिल गया मेरा छोटू से, थोड़ा वेट करो, थोड़ा आप लोग पानी पियो, तब तक पानी पियो, तब तक मैं इस लाइन को ऐड कर लेता हूँ ठीक है।
मैंने बोला था यार मिडिल पार्ट लॉन्ग एंड कॉइल, मैंने बोला था मेरा ऐड है यार लॉन्ग एंड कॉइल, ठीक है, एंड इलियम 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 टर्मिनल पार्ट हाईली कॉइल, ये भी है, ये भी मैंने किया है ऐड, किया है गोहन, इसको किया है मैंने ऐड। इलियम को मैंने लिखा है टर्मिनल पार्ट एंड हाईली कॉइल, जेजनम को मैंने लिखा है मिडिल पार्ट एंड लॉन्ग कॉइल। तो चलो सलाइवरी ग्लैंड पे आई थिंक कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया, तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड सब मैक्सिलरी सब इंडिविजुअल एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड सब मैक्सिलरी सब इंडिविजुअल सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड चीक से रिप्रेजेंट होता है, डक्ट क्या होता है तो एसपी, एस फॉर एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है, पी थायराइड एंड एस फॉर एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है, सब मैक्सिलरी सब इंडिविजुअल बार्सन डक्ट एसडब्ल्यू, ठीक है, सब लिंगुअल डक्ट ऑफ रेबिनस, ठीक है, बिलो द टंग डक्ट ऑफ रेबिनस, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा सीक्रेट करता है इट कंटेंट 99% 99.5% ऑफ वाटर, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड 99.5% पानी को करता है, उसके बाद और क्या-क्या करता है ये आप लोग लिखिए फटाफट से, 0.5% में क्या-क्या आता है उसको लिखिए जल्दी, आई थिंक सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, क्लोरीन आता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिससे क्वेश्चन बना लिया, बताइए जल्दी, हालांकि पीवाई क्यू है, क्वेश्चन बना है, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता रहूंगा, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा आएगा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा तो आगे हम दिलवाएंगे, आने दीजिए ना, अभी इसमें और पॉइंट आएगा। ओके सही है, ठीक है, अबे सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट क्यों भूल जाते हो तुम लोग यार, बाइकार्बोनेट मत भूला करो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मत भूला करो, HCO3 माइनस ऊपर में माइनस, ठीक है, बाइकार्बोनेट मत भूला करो, बाइकार्बोनेट को भाई कैसे भूल सकते हो तुम लोग, गॉट इट। तो अब हम लोग आ जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सा पाया जाता है, तो म्यूकस नेक सेल पाया जाता है, पेप्टिक सेल, चीप सेल, या फिर उसी को हम लोग जाइमोजन भी कहते हैं, और एक तीसरा पाया जाता है, तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, म्यूकस नेक सेल, चीप सेल, पेप्टिक सेल या फिर जाइमोजन, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे को हम लोग पैराइटल या फिर ऑक्सेंटिक कहते हैं, ठीक है, पैराइटल या फिर ऑक्सेंटिक कहते हैं तीसरे को हम लोग, ठीक है, ओके। तो अब बताइए कि म्यूकस नेक सेल जो है उसका नाम ही है म्यूकस नेक सेल, तो किस चीज को सेक्रेट करता है, तो हाँ म्यूकस को सेक्रेट करता है, ठीक है, और म्यूकस को सेक्रेट, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट, और इसका काम क्या है, म्यूकस नेक सेल का काम क्या है, नेक सेल का काम बताओ, काम वॉक वॉक, ये क्वेश्चन बन जाएगा, पक्का बनेगा, लिटरली कह रहे हैं बनेगा, 2022-23 में बने ना तो 24 में बनेगा, ठीक है, हाँ, म्यूकस नेक सेल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टोमक को, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टोमक को, ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम पाया जाता है, और किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, एससीएल से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और ऑटो डाइजेशन यानी खुद से डाइजेशन होने को भी बचाता है, तो सारी बातें जो मनीष दुबे सर इतने बड़े में लिखवाए हैं वो सारे चीज मैं छोटा में कर रहा हूं, ओके, एक नंबर आंसर, गोहन का भी आंसर आ गया, हेल्प इन रिड्यूसिंग द एसिडिक कैरेक्टर एंड द हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द स्टोमक, एक नंबर, गजब का आंसर है, ठीक है, अब पेप्टिक सेल, चीफ सेल या फिर जाइमोजन सेल किस चीज को सेक्रेट करता है, तो पेप्सिनोजन को सेक्रेट करता है, ठीक है, बात खत्म, अब पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल किस चीज को करता है, तो सेक्रेट करता है एससीएल को और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को, अब एक बात बताओ, पेप्टिक सेल, चीप सेल या फिर जाइमोजन सेल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो पेप्सिनोजन किस फॉर्मेट में है, तो इनएक्टिव फॉर्मेट में है, और उस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए हमें कौन सा चीज चाहिए, जल्दी बताओ कौन सा एसिड चाहिए, हाँ भाई ईशान तुम कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ आओ फिर, ठीक है, तुम अच्छा पढ़ाई करते हो, मेहनत तो करेगा, इनएक्टिव फॉर्मेट में है HCl, चलो सुपर, HCl की जरूरत पड़ती है, ठीक है,
उसको मतलब बदलने के लिए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो सब कैंसर आ गया. ठीक है. तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ एससीएल. ठीक है, ये सबको याद रहेगा. अ फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज नोन एज पैराइटल या ऑक्सीडेंटिव सेल में पाया जाता है. फैक्टर अफेक्टिंग द विटामिन B12 इज नोन एज कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF. ठीक है, आई थिंक सबका ये भी कंप्लीट. अब हम लोग तीसरा डाइजेस्टिव और एसोसिएटेड ग्लैंड में जो चीज है लीवर. अब हम लोग लीवर को पढ़ेंगे. ठीक है, तो लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इज लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. नो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, सबका आंसर सही है. ठीक है, और लीवर का कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है. ये क्वेश्चन उससे नहीं आने वाला है. ठीक है, इसको हटाओ. रेडिश ब्राउन ब्राउन ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ठीक है, हाँ ठीक है. कौन का आंसर सही है, स्वीटी का भी आंसर सही है, लार्जेस्ट बिग. ठीक है, दूसरा चीज ये बताओ लीवर का वेट कितना होता है. ये NCERT का लाइन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. तो लीवर का वेट 1.2 से 1.5 होता है. ठीक है, लीवर का वेट कितना होता है, तो लीवर का वेट 1.2 से 1.5 होता है. ठीक है, लीवर इज जस्ट सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी. लीवर कहाँ सिचुएटेड है, तो जस्ट सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. लीवर इज जस्ट सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, मैंने पढ़ा भी नहीं. क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा स्वीटी? अच्छा, रेडिस ब्राउन वाला. ओहो, हॉट इट. रेडिस ब्राउन आने वाला भी नहीं है, पढ़ना मत. मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट लीवर को देख लेना, वहां हम भी रहेंगे, देखा जाएगा, एक साथ देखा जाएगा. लीवर कहाँ सिचुएटेड है? चलो देखो, हम एक ह्यूमन बींग है. ठीक है, हमको मान लो कि मैं क्या हूं, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ. ठीक है, हाँ मैं तो ह्यूमन बींग हूँ ही. ठीक है, तो आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो लीवर का मतलब पोजीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो ये मान लो ये राइट पोर्शन है मेरा, ये लेफ्ट पोर्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है. तो थोरेसिक कैविटी पे ही, मतलब थोरेसिक कैविटी के जो लेफ्ट साइड होता है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी जो है, एब्डोमिनल कैविटी में लीवर पाया जाता है. तो लीवर कहाँ पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में राइट की लेफ्ट पर पाया जाता है. तो राइट साइड में लीवर पाया जाता है. ठीक है, डायफ्राम सेपरेट करता है, तो थोरेसिक और एलिमेंट्री कैनाल दोनों को डायफ्राम बांट देता है. ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम दोनों को बांट रहा है. नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ऊपर थोरेसिक कैविटी है. ठीक है, और राइट साइड में क्या है, लीवर पाया जाता है. और लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी के, तो थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड में हार्ट पाया जाता है. ठीक है, और एक और बात बताओ, थोरेसिक कैविटी में हार्ट तो पाया जाती है लेफ्ट साइड में, और थोरेसिक कैविटी में लगभग बीचों बीच क्या पाया जाता है, तो लंग्स भी पाया जाता है. थोरेसिक कैविटी में लंग्स भी पाया जाता है. ठीक है, तो मैंने बता ही दिया ना, यहाँ पे एक डायफ्राम कर दो, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी कर दो, जस्ट बिलो द दिस, जस्ट बिलो द दिस क्या है, लिव अपना वही है. ठीक है, लिवर राइट बिलो द डायफ्राम. चलो सही है वो भाई. अब लीवर बाइलोब्ड होता है कि मल्टीलोब्ड होता है, ये बताओ. बाइलोब ही है यार, इतना हम लोग चर्चा कर लिए तो लीवर बाइलोब्ड ही होगा. ठीक है, एक राइट लोब्यूल होता है, तो राइट लोब्यूल लार्ज होता है, और तो स्मॉल लोब्यूल जो होता है उसको लेफ्ट लोब्यूल कहते हैं. ठीक है, लीवर किसी कैप्सूल से बंधा हुआ भी होता है, मतलब लीवर किसी कैप्सूल से कवर्ड भी होता है. उस कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है. मुझे पता है आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा, उस कैप्सूल को हम लोग कहते हैं गिल्सन कैप्सूल. ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा, आपकी आंसर 10 सेकंड लेट आ रही है मेरे तक. मुझे पता है आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा. ठीक है, तो लीवर सेक्रेट करता है. ठीक है, बाइल जूस को भी सेक्रेट करता है. किस चीज को, बाइल जूस को भी. अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है गोल ब्लैडर की, ये जी लीवर में भी ही सिंथेसिस होता है बाइल जूस का. ठीक है, सेक्रेट बाइल जी भी.
ठीक है, आई थिंक ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन होता है आमतौर पे सबको और लीवर के बारे में, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि क्वेश्चन यहां से बनेगा लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा बताना तुम लोग कि मैंने एक्सप्लेन कैसा किया। अब मुझे कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन में तुम लोग रिमार्क करोगे, ठीक है। तो देखो लीवर होता है, लीवर कंटेन करता है दो लोग को, कितने लोग को तुम लोग बताना कि एक एक समझो कि वन शॉट में रिविजन करवा रहे हैं, और तुम लोग देख कर बताना कि मैं सही करवा रहा हूँ कि गलत करवा रहा हूँ। ठीक है, लीवर है, ये रहा लीवर, लीवर लीवर ने कंटेन किया दो लोब्स को, ठीक है, दो लोब्स को कंटेन किया दो, और लीवर के लीवर ने सॉरी लीवर कंटेन टू लोब्स, और वो लीवर क्या कंटेन करता है, हेपेटिक लोबल। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, दिस इज द लीवर, लीवर में एक राइट लोब लेफ्ट लोब, राइट लोब बड़ा है लेफ्ट लोब छोटा है, ठीक है, एंड लोब के अंदर में क्या हेपेटिक लोब्यूल है, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल है, ठीक है, और हेपेटिक सेल क्या तुमको सीक्रेट कर रहा है, हेपेटिक सेल सीक्रेट कर रहा है बाइल को, और बाइल स्टोर कहां हो रहा है, तो बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर, एम आई राइट। अब ये बताओ कि मैंने एक्सप्लेन कैसा किया है, कि दिस इज द लीवर, ठीक है, राइट पोर्शन बिग लेफ्ट पोर्शन स्मॉल, लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल, एंड बाइल सीक्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। कैसा समझाया, कैसा समझाया, लिटरली यार मजाक वाला रिव्यू नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा सही रिव्यू देना, ठीक है, बेकार लगे तो बेकार की तरह इनफॉर्मल टॉक बात करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मैं बेकार समझो अच्छा समझो बात करते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं समझाऊंगा थोड़ा उसको रिमार्क देना तो अच्छे से देना, ठीक है, अभी और सुधार करेंगे लेकिन पहले इतना भी रिमार्क। हेपेटिक लोबुल, हेपेटिक कॉर्पल, हेपेटोसाइट सेल, देखो बाइल के पास कोई भी क्या नहीं होता है, एक बाइल एक ऐसा है कि बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन बाइल में कुछ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज, बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। ठीक है, हेपेटिक सेल टू टाइप्स ऑफ बाइल, वन इज कॉफर, हाँ ठीक है, उतना आगे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ उतना मैंने समझाया ही नहीं, मैंने शॉर्ट में पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, तो बाइल में बाइल में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस बाइल पिगमेंट का क्या नाम है, तो बाइल पिगमेंट का नाम बताइए फटाफट से लिख दो, मुझे पता है कि आप लोग लिख चुके होंगे ब्लू ग्रीन एंड ब्लू वाइटिंग, ठीक है, बाइल पिगमेंट को आप लोग लिख चुके होंगे ब्लू ग्रीन एंड ब्लू वाइटिंग, ठीक है, और बताओ बाइल साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टोल एंड फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कि यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक लोब्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, मुझे पता है आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, मेरे तक थोड़ा 10 सेकंड लेट आ रही है, ठीक है, और किस चीज से कवर्ड होता है हेपेटिक लोब्यूल, तो हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय विल्सन कैप्सूल, सॉरी कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से हेपेटिक लोब्यूल कवर्ड होता है, और वो कनेक्टिव टिश्यू का शीथ जो होता है दैट इज विल्सन कैप्सूल, तो हाँ मैंने सही कहा, ठीक है, चलो तुम सबके आंसर आ ही गए। अब गोल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रिया ड्यूडेनम में कंफ्यूजन होता है, अब मैं इस कंफ्यूजन को लिटरली मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है, लिटरली मैं दूर कर रहा हूँ, मेरे सामने डायग्राम, मैंने जो बनाया है वो डायग्राम है मेरे टाइप का, एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग खोल लीजिए, मन करे तो खोल लीजिए, नहीं मन करे तो मत खोलिए, ठीक है, जो आपने बनाया वो डायग्राम खोलिए, मैं एनसीईआरटी के बेस पे मैं आपका दूर करूंगा कंफ्यूजन को, ठीक है। देखो सबसे नीचे क्या है, ड्यूडेनम है, ठीक है, स्टोमिक है, स्टोमिक से फूड आया, फूड कहाँ है, ड्यूडेनम में आया, ठीक है, अब अगर यहाँ ड्यूडेनम है तो यहाँ जेजनम होगा, यहाँ इलियम होगा, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, तो हम लोग इधर की बात नहीं करते हैं। अब इस साइड में क्या था, लीवर था, ठीक है, तो लीवर से जो डक्ट आया, व्हाट वी कॉल दैट डक्ट, लीवर से जो डक्ट आया व्हाट वी कॉल दैट डक्ट, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, लीवर से जो डक्ट आया दैट इज नोन कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, एंड जो डक्ट गोल ब्लैडर से आया उसको हम लोग कह रहे हैं सिस्टिक डक्ट, क्या कह रहे हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, गोल ब्लैडर से जो डक्ट आया उसको हम लोग कह रहे हैं सिस्टिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, अब ये दोनों साथ में आकर कौन सा डक्ट बना रहा है, अब आप बताइए
कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों साथ में आ रहा है और साथ में आकर यहाँ पर एक डक्ट बना रहा है, दोनों साथ में लीवर, यहाँ लीवर, यहाँ गोल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ कॉमन हिपेटिक डक्ट, यहाँ सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब दोनों डक्ट साथ में आया, दोनों डक्ट साथ में आकर यहाँ क्या बनाया है, कॉमन बाइल डक्ट बनाया, क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट बनाया, ठीक है। अब इसी कॉमन बाइल डक्ट अब इस तरफ देखो तो इधर लगा है पैनक्रियाज, क्या लगा है इधर, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रहे हैं उसका नाम क्या है, पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। और ये जब पैनक्रियाज से और पैनक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलकर बना रहे हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, स्वीटी का आंसर सही है, गौहर का आंसर गलत हो गया, ठीक है गौहर। देखो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है ना, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिलकर बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट दोनों मिलकर बन रहा है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, तो हिपैटो का मतलब हो गया लीवर, ठीक है, और पैनक्रिएटिक का मतलब डक्ट अराइजेस फ्रॉम पैनक्रियाज, तो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, बोलो कोई दिक्कत, तो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट इज बाय कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट, बोलो कोई दिक्कत, एक्सप्लेन सही हुआ, Is my explanation is right, correct? So give me thumbs up. ठीक है, so फटाफट से यार आग लगाओ एंड थोड़ा सा मुझे एनर्जी दो, एनर्जी दो, ठीक है। तो डक्ट अराइजेस फ्रॉम द लीवर दैट इज द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड राइट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके जो डक्ट बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हिपैटिक कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, ओके ओके, या इट्स गुड इट्स गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, अब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू स्पिंटर ऑफ बाइडोन और स्पिंटर ऑफ ओडी, तो इसके बारे में आप लोगों को जो जो पता है लिखिए, तब तक मैं दो मिनट का ब्रेक लेकर मैं आया, क्या मैं जाऊं दो मिनट का ब्रेक ले लू, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आराम से 1.5 से 2 घंटा लेके रहना, क्योंकि मैं एक ही चीज को चर्चा करूंगा, मैं फटाफट से, मैं चाहता था ये दो पेज को डिस्कशन करा के मैं खत्म कर देता, लेकिन ये दो पेज ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, हालांकि इस दो पेज में मैंने सब कुछ इंक्लूड दिया है, नहीं दो ये है और दो और है, ठीक है, इसी तरह का दो, उसमें भी मैंने सब कुछ डाल ही दिया है, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए आप लोग मुझे, मैं आया, तब तक आप लोग उसका आंसर करिए, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में जो जो दिमाग में आ रहा है लिख दीजिए, मैं आ रहा हूं।
हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम यू ऑल हियर आफ्टर द स्मॉल ब्रेक, दैट इज द 2 मिनट ब्रेक, और आई थिंक 2 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक था। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट इन द ड्यूडनम सी शेप स्ट्रक्चर अलाउज द सेक्रेशन ऑफ द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडनम फॉर द डाइजेशन। या बिल्कुल करेक्ट, एंड इतना ग्रेट ग्रेट आंसर आप लोग दे रहे हो कि पूछो ही मत, ठीक है। तो हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन में भी खुलता है, ठीक है, एंड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन में स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, ठीक है, चलो 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 आगे मूव करते हैं। अब हम लोग कहाँ आते हैं, पैनक्रियास पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक का सब कुछ हो गया ना, लीवर ओवर सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, और अब हम लोग आते हैं पैनक्रियास पे। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूटा नहीं है। स्वागत है हमारे प्यारे गौरव का। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग कमेंट मेरे तक 10 सेकंड लेट पहुंच रही है, ठीक है, तो कोई ना, मैनेज करेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग आते हैं पैनक्रियास पे, ठीक है। तो पैनक्रियास पे हम लोग आते हैं। अब पैनक्रियास के बाद सुनते सुनते तुम लोगों को क्या क्या माइंड में आ रहा है बताते चलो। पैनक्रियाज पे जो जो माइंड में आ रहा है वो सब बताओ, फिर मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो पॉइंट छूटेगा उसको मैं देख के चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले अब तुम लोग बताओ कि पैनक्रियाज सुनते सुनते माइंड में क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्वीटी ने स्वागत किया, गौहर ने भोपू बजा दिया, वाह। किसके साथ, तो किस डक्ट के साथ बताओ बताओ। एक्सोक्राइन पार्ट है तो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम, और किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ, किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ, ठीक है। एंड डक्ट इज नोन एज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस एंड हार्मोन, या बिल्कुल यू आर करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या कंटेन करता है, ये भी बता दो। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव प्रोटीएसेस एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब पैनक्रियास का ही पार्ट है। तो पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस किस किस चीज को ऐसे करता है, तो इनएक्टिव प्रोटीएसेस एंजाइम, तो इनएक्टिव प्रोटीएसेस एंजाइम में क्या क्या, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, बात खत्म, ठीक है, पैनक्रियास भी समझ गए, ठीक है। अब देखो ना, जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जब स्टार्ट होगा ना, तो इतने मस्त तरीके से सबको घुसाएंगे ना हम लोग, मजा आ जाएगा, ठीक है। बस आधा घंटा और, आधा घंटा क्या, हाँ आधा घंटा लग ही जाएगा, आधा घंटे बाद उसमें टॉक करेंगे मुझे आता है। एंजाइम, न्यूक्लियस, लाइपेज, या ठीक है, छोटी सही है। अब चलो इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड सुनते हुए आपको क्या खबर में आ रहा है कि इंटेस्टाइन वाला ग्लैंड, कौन सा इंटेस्टाइन वाला ग्लैंड, स्टोमिक वाला, स्टोमिक वाला कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, जल्दी बताइए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सुन के क्या दिमाग में आ रहा है, स्टोमिक वाला ग्लैंड कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला ग्लैंड कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ग्लैंड। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ
ये डिस्कशन हो रहा है, ठीक है? नो, हम लोग का डिस्कशन होते रहता है, तो डिस्कशन हो जाकर टाइम टेबल देख लेना उसके अकॉर्डिंग। अरे यार, तो स्वीट स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूड ना जजनम इलियम यार, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है? सही है, जजनम पार्ट सर्कस इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, सब सही है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है एक ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है? और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का ही पार्ट आई थिंक क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होता है, ठीक है? ब्रुनर्स ग्लैंड भी शायद इसी का पार्ट में आता है। तो क्या मैं सही हूं? अगर सही हूं तो ठोको लाइक, और दूसरी बात की ये भी बताओ कि अगर क्रिप्स ऑफ लिवर कोन इसका पार्ट है तो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन क्या सेक्रेट करता है, जो मैंने पहले ही चर्चा कर ली है, ठीक है? और हाँ, ये बताओ कि मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर कोन किस किस चीज को मतलब किस किस चीज को सेक्रेट करता है, क्या क्या चीज है उसका पार्ट? फॉर्म बाय टू ग्लैंड्स, लिवर कून एंड ब्रुनर्स ग्लैंड, ठीक है? कौन हंस रहा है? सकस इंटरेस्ट फॉर्म बाय टू, ब्रुनर गैस एक्सेप्शन बिकॉज इट प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। हाँ हाँ ठीक है मेरे भाई। देखो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जो है वो म्यूकस को कंसिस्ट करता है, सेक्रेट करता है गॉबलेट सेल एंड एंजाइम सेक्रेट एंजाइम सेक्रेटिंग पैनस सेल, गॉबलेट सेल और पैनस सेल को, ठीक है? और जो अपना ब्रुनर्स ग्लैंड है वो ड्यूडेनम पार्ट में, क्या बोल, यस ब्रुनर गैस एक्सेप्शन बिकॉज इट प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा, चलो ठीक है। और कौन कौन से एंजाइम को प्रेजेंट, कौन कौन से एंजाइम को कंटेन करता है ये भी बता दो। यार मेरा एनर्जी डाउन हो गया यार, बोलने में सही में एनर्जी जाता है, टीचर लोग कितना मेहनत करते होंगे, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा अपनी एनर्जी, अभी बढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, मेरा फेवरेट टॉपिक आने वाला है, ये सब तो याद करने वाला टॉपिक है, इसमें क्या ही बोल। अब हमने शुरू कर दिया जाए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, कि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे हो रहा है, बोलो। हम लोगों ने तो अब तक जान लिया, देखो ये चैप्टर मूव कैसे कर रही है, इस चैप्टर को अगर हम लोगों ने कुछ बातों को नहीं समझा तो ये चैप्टर में मजा ही नहीं आएगा, और ये लास्ट में भी हम तुम लोग को समराइज करेंगे। ये चैप्टर जैसे मूव कर रही है ना, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने चार ही चीज पे चर्चा किया है, मात्र चार बातें, एक है डाइजेशन, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है डिफिशिएशन जिसको हम बात, और फिर है एसिमिलेशन, ठीक है? बस इस चार चीज पे ही है। अच्छा स्वीटी का आंसर आ गया, ठीक है? स्वीटी ने आंसर ब्रुनर्स ग्लैंड वाला भी आंसर दे दिया कि माल्टेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोसाइड, लैक्टेज, न्यूक्लियोसाइड, इंट्रोकाइनेज एटसेट्रा, चलो ठीक है, सही है। तो अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग फूड पे आ जाते हैं, ठीक है? एंड गाइस, अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द सेशन, एक एक लाइक आपकी इंपॉर्टेंस रखता है। वाह, जैसे मोदी जी एक एक वोट मांगते हैं ना, वैसे मैं एक एक लाइक मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है? मैं इंपॉर्टेंस रखता है यार, तुम सबका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी। तो चलो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो देखो फूड को हम लोगों ने माउथ में लिया, माउथ में हम लोगों ने फूड को मास्टिकेट किया किस चीज से, टीथ से। तो उस मास्टिकेटेड फूड को हम लोगों ने मिक्स किया किस चीज से, हम लोगों ने मुंह मिक्स किया तो सलाइवा से, और सलाइवा से हम लोग मिक्स किए तो क्या बना, जल्दी बताओ। हाँ चलो, बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वीटी, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो फूड हम लोगों ने इंटेक किया माउथ में, माउथ में हम लोगों ने टीथ के साथ उसको क्या क्या मास्टिकेशन किया, यानी चबाया, ठीक है, मिलाया, ठीक है, ठीक है? उसके बाद फिर मास्टिकेटेड फूड, ठीक है? और उस मास्टिकेटेड फूड को हम लोगों ने मिक्स किया तो म्यूकस और सलाइवा के साथ, तो क्या बना, बॉलश। ओके दैट्स ग्रेट, सुपर, बॉलश, बॉलश इन माउथ। अब बॉलश को हम लोगों ने स्वलोइंग किया, डिग्लोटेशन किया, ठीक है? स्वलोइंग किया फिर डिग्लोटेशन, यानी निगलना, निगल लिए।
तो निकल के वो कहाँ आता है, बॉलर्स हमारे अंदर आता है, ठीक है। तो बॉलर्स इन फेरिंग्स देन वो इसोफिगस, इसोफिगस के बाद बॉलर्स जो आएगा स्टोमिक में आएगा। तो इसोफिगस में कौन सा मूवमेंट हो रहा था, इसोफिगस में कौन सा मूवमेंट हो रहा था, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। तो अब पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट होकर, तो देखो देखो कितना प्यारा लाइन है, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के साथ अब बॉलस आएगा स्टोमक में, ठीक है। अब स्टोमक में बॉलस रीच हो गया, ठीक है। तो स्टोमक में बॉलस रीच, तो स्टोमक में कौन सा मूवमेंट था, चर्निंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। अब स्टोमक में मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा है, और स्टोमक में क्या बन जा रहा है, स्टोमक में क्या बन जा रहा है, तुम लोग का आंसर मेरे तक लेट आ रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग का आंसर हो गया होगा, ठीक है। स्टोमक में बन जा रहा है काइम, क्या बन जा रहा है, काइम, ठीक है, कोई दिक्कत, गॉट इट। तो देखो ना, हम लोगों ने एक नॉर्मल माउथ में, माउथ में लिया, माउथ से हम लोगों ने कहा, माउथ से हम लोगों ने मास्टिकेटेड फूड को कहा भेजा, ठीक है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहा भेजा इसोफिगस में, इसोफिगस से कहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफिगस से स्टोमक में, स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ठीक है, बात खत्म। मजा आया, एनर्जी मेरी कम हो गई, फिर भी सपोर्ट बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखोगे मैं बोल जाऊंगा, मैं पूरे चैप्टर बोल जाऊंगा। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये खत्म होने के बाद एक बार पूरे चैप्टर को धड़ाया जाएगा, आप अपने घर से धड़ा ला, मैं अपने घर से धड़ा लाऊंगा। तो चलो ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एम आई राइट, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एम आई राइट, एम आई राइट, स्वीडी ने आग लगा दिया है, चलो ठीक है बहुत सही, एम आई राइट, जल्दी बोलो यार, यस या नो, नो आई एम नॉट राइट, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तुम लोगों का कमेंट मेरे तक लेट आ रहा है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, नो, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल, नॉट इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज का, तो सम ड्रग्स और कुछ कुछ और, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ, अब हम लोग देखो, अब हम लोग खेल खेलेंगे, अब डाइजेशन पे हम लोग आ गए हैं। ये टॉपिक मेरा सबसे कमजोर टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन में बाद में पूछूंगा, मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत समझ के एक फ्लो चार्ट में मैंने कंफर्ट किया, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को पढ़ना क्या है, कहां से और कौन सी एंजाइम रिलीज होती है, किसके लिए होती है, जो फूड हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेनली वी हैव टू डाइजेस्ट दिस ऑल, मतलब दोज फूड वी आर टेक, वी हैव इनटेक, क्या लेते हैं हम लोग खाना में, खाना में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, दिस ऑल थिंग, तो इन सारे चीज को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसमें कौन कौन सा चीजें इन्वॉल्व होती है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फूड टाइप, तो फूड टाइप में हम लोगों ने क्या उठाया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का माउथ में कौन सा प्रेजेंट होता है, माउथ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है। स्टोमिक में कोई प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, स्टोमिक में कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, तुम लोग हाँ या ना बताते चलना, जो मैं पूछूंगा हाँ या ना बताते चलना, ठीक है। पैनक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सकस इंट्रेकस में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है, सकस इंट्रेकस में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रेजेंट होता है फॉर्म, देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, मैं इसको पहले क्लियर कर दूंगी कहाँ कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि देखो मुझे दिक्कत होती थी ना, तो मैंने इसको इस तरह से किया कि कहां कौन प्रेजेंट है, अब कार्बोहाइड्रेट, अच्छा प्रोटीन, फैट, तो कहां प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन, प्रोटीन स्टोमक में क्या है, प्रोटीन माउथ, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो माउथ में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या प्रोटीन स्टोमक में होता है, तो हाँ स्टोमक में होता है, तो वहां पे कौन सा पेप्सिन का काम आता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। हाँ, तो प्रोटीन स्टोमिक में पेप्सिन, ठीक है। हाँ स्वीटी का सकस इंट्रेकस वाला आंसर सही है, ठीक है, पेप्सिन स्टोमिक में, सॉरी प्रोटीन स्टोमिक में पेप्सिन, ठीक है। एंड प्रोटीन पैनक्रियाटिक, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन इन पैनक्रियाटिक, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ठीक है। और प्रोटीन इन सकस इंट्रेकस, तो डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड माउथ में नहीं होता है, ठीक है, और स्टोमिक में उसका नहीं होता है डाइजेशन, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक में या न्यूक्लियस के प्रेजेंट में, ठीक है। एंड सकस इंट्रेकस में
न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज के पचन में, ठीक है। फैट माउथ में फैट नहीं होता है, फैट स्टोमिक में, हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड फैट इन स्टोमिक बाद क्या होता है, पैनक्रियाटिक, फैट इन पैनक्रियाटिक तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, सॉरी पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड सर्कस इंट्रिकस लाइपेज, खत्म। ये तो यार मैंने ही बोल दिया, आप लोगों को मौका दिया नहीं था। तो अब आप बताओ फैट जो होता है सर्कस इंट्रिकस में कैसे हो, ये बताओ। लाइपेज के प्रेजेंस में फैट का डाइजेशन सर्कस इंट्रिकस में होता है, लाइपेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड क्या स्टोमक में डाइजेशन प्ले करता है, कुछ चीज होता है जो न्यूक्लिक एसिड को स्टोमक में ही तोड़फाड़ मचा सके? तो नहीं, स्टोमक में कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड वहां पहुंचा सके, ठीक है। पैनक्रियाटिक में है, ठीक है, पैनक्रियाटिक में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बात को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते हैं तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, सर्कस इंट्रिकस में इंटेस्टाइनल लाइपेज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट सिटी, और नथिंग इन स्टोमक है, बिल्कुल सुपर सुपर, मैंने एकदम सही तरीके से फ्लोर चार्ट को किया है ना, बनाया है ना। अब चलो एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन व्हिच एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय व्हिच एंजाइम, दैट इज द इंट्रोकाइनेस, व्हाट इज दैट, इट इज इंट्रोकाइनेस, ठीक है। The word intrakinase is intro come from the intestine. So, क्या है? It is the intestinal juice. तो ठीक है, बात खत्म। Bile content. Bile किस किस चीज को contain करता है? हालांकि चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया, but bile content, bile pigment, bile salt, cholesterol, phospholipid and phospholipid that is the bilirubin and bilirubin. अब वो तो bile की कमी से jaundice भी हो जाता है, jaundice को हम लोग पीलिया बोलते हैं, ठीक है, ये आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे फैट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है ना, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट, हाँ बिल्कुल, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है। हालांकि गैस्ट्रिक लाइपेज स्टोमिक में भी होती है यार, फिटी स्टोमिक में भी होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज स्टोमिक कहीं नहीं जाएगा। और तो बाइल कंटेंट हो ही गया सब, ठीक है, ब्लू ब्लू आप लोग मैसेज लेट आ रहे हैं मेरे तक, ठीक है। और अब चलो अब डाइजेशन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चीज कैसे डाइजेशन हो रहा है, और ज्यादा होने से ना होता है जॉन्डिस, अब आप बताओ स्वीटी, ज्यादा होने से होता है या कम होने से होता है? जॉन्डिस जो होता है वो ब्लूबेरीन और ब्लू वर्डीन के ज्यादा होने से होता है कि कम होने से होता है, बता दो स्वीटी। नहीं, आप ब्लूबेरीन कंटेंट जल्दी 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 अब चलो मैं एक बताता हूँ एक बात, ठीक है। भैया ने मैं भी कम बोल दिया गलती से, ठीक है। भैया ने मैं भी कम बोल दिया गलती से, अच्छा अच्छा हाँ 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 मैंने गलती से कम बोल दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यार जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्लू ग्रीन का डिपोजिशन कम होने की वजह से होता है यार, ज्यादा आप लोग कैसे बोल रहे हैं? कम होने से होता है यार, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं इसको मैं चेक करना चाहूंगा। देखो कम होने से पीलिया पीलिया में सब कुछ पीला पड़ जाता है, ठीक है, तो आए लेकिन नहीं कम होने नहीं ज्यादा होने से होता है, क्योंकि देखो ज्यादा बनाने लगता है, ठीक है, तो ज्यादा होने से होता है, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि देखो लीवर लीवर जो है ना ब्लू ग्रीन को ज्यादा बनाता है, तो ज्यादा होने से होता है, ठीक है। मनीष सर क्या समझाते हैं कि देखो 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 बेटा यहाँ
जो लीवर है, लीवर ज्यादा बनेगा ठीक है, तो ज्यादा बनेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा बनाने लगे तो होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट, मैं गलत थी यार, सॉरी सॉरी फॉर माय सेड यार, एनर्जी बची नहीं है ठीक है, अब क्या समझ रहा हूँ क्या नहीं होता, नहीं होता, लीवर खराब होने से होता है, पिगमेंट हाई उसका सिंबल है। हाँ बिल्कुल पिगमेंट हाई उसका सिंबल है ठीक है, ज्यादा होने से ना ज्यादा कलर हो जाएगा। हाइपर ब्लूबरीन और हाइपो एक कंडीशन होता होगा पक्का ठीक है यार, कमी और ज्यादा दोनों से भी हो सकती है ठीक है। अब इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, अब इसको मेडिकल कॉलेज में चर्चा करेंगे, जितना क्वेश्चन आना है जितना बनना है बनने दो, अब इतना ही जानो कि जो बनेगा सो बना दो इससे क्वेश्चन ठीक है। अब चलो, अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, स्टार्च माल्टोज में बदलता है, किस चीज के परिजेस में बदलता है, स्लाइबरियम एंड स्टाइलिन ठीक है, 30% ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में टूटता है ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्च कितना, 30% ही स्टार्च माल्टोज में बदलता है, और जिस पीएच पे बदलता है माउथ में वो पीएच होता है 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक, क्या होता है स्लाइटली एसिडिक। अच्छा स्वीटिंग हंस रही है, देखो तुम लोग का मैसेज लेट आ रहा है मेरे तक यार, मजा खराब हो जा रहा है, गूगल में ज्यादा है, डिजीज में भी दिया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ही मानते हैं हम लोग, अभी ज्यादा मान के चलेंगे ठीक है। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कहीं डिफिशियंट भी पढ़ा था ठीक है, तो उस बात को हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो, अब डाइसेकेराइड फॉर्म में है माल्टोज, तो डाइसेकेराइड, जो डाइसेकेराइड स्टोमिक में डाइजेशन ऑफ स्टार्च क्या हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो अब बताओ स्टोमिक में जो हो रहा है वो डाइसेकेराइड प्लस 70% ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो 30% ही ना हम लोग पॉलीसेकेराइड, स्टार्च क्या था पॉलीसेकेराइड था, तो 30% का तो हम लोगों ने माउथ में कर दिया, अब जो बच गया 70% वो हम लोग स्टोमिक में ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं हम लोग, स्टोमिक में ले रहे हैं, स्टोमिक में हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद तो डाइसेक्राइड प्लस 70% ऑफ पॉलीसेक्राइड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, कौन सा जूस रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज उसको तोड़ देगा, अब 100% पॉलीसेक्राइड अब बन चुका है मोनोसेक्राइड, समझ गए, अब 100% पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड बन, सॉरी 100% पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड बन चुका है ठीक है ठीक है। अब माल्ट और ये क्या है, माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज लैक्टेज, सुक्रोज सुक्रेज ठीक है, ये सब इंटेस्टाइनल जूस के एक्शन से ये सारा खेल हो रहा है ठीक है। अब इन सब डाइसेक्राइड जो 100% ऑफ डाइसेक्राइड है अब वो मोनोसेक्राइड में बदल गया ठीक है, अब वही माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में, लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंट में, सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंट में, अब ये सब मोनोसेक्राइड में बदल गया। अब मोनोसेक्राइड क्या है, एब्जॉर्बेबल है, तो हाँ है, मोनो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है तो एब्जॉर्बेबल है, बात खत्म। माल्टेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सुक्रोज इज, सुक्रेज इज आल्सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। तो देखो फूड पार्टिकल देख हम लोग मुंह में निकले थे ठीक है, तो फूड पार्टिकल जो था वो मोटा था, उसको हम लोग मतलब पॉलीसेक्राइड मोटा था, सॉरी पॉलीसेक्राइड था, पॉलीसेक्राइड मोटा था, पॉलीसेक्राइड को थोड़ा डाइसेक्राइड में, तो डाइसेक्राइड क्या था, माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज डाइसेक्राइड, अब डाइसेक्राइड को हम लोगों ने तोड़ दिया मोनोसेक्राइड में ठीक है, तो मोनोसेक्राइड क्या था, ग्लूकोज था, बात खत्म है, जो भी ये तो टूटी फूटी में मैंने समझा दिया, बात खत्म। अब आ जाओ डाइजेशन इन स्टोमिक, तो डाइजेशन इन स्टोमिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, और प्रोटीन किस किस फॉर्म में टूटता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है पेप्सिन के प्रेजेंस में, और प्रोटीन टूटता है प्रोटीएजेस पेप्टॉन्स एंड प्रोटीन के फॉर्म में ठीक है। अब जो होता है प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है किसके प्रेजेंस में, प्रोटीन कन्वर्टिंग टू डाइपेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, और अब ये सारा खेल, क्योंकि प्रोटीन को हमें तोड़ के अमीनो एसिड बनाना है ठीक है, और अमीनो एसिड किसके प्रेजेंस में बनेगा, सबसे पहले तो प्रोटीन को तोड़ के डाइपेप्टाइड बनाओगे ना, तो डाइपेप्टाइड जब बनाओगे तो डाइपेप्टाइड किसके प्रेजेंस में बनेगा, तब डाइपेप्टाइड को तोड़ के ना अमीनो एसिड बनाओगे, तो पहले डाइपेप्टाइड तोड़ दो ना, तो डाइपेप्टाइड तोड़ो किसके प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, बताओ 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 जल्दी,
अरे ट्रिप्सिन के परिचय में तोड़ रहे हो, ट्रिप्सिन का एमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रोटीन का गेम हम लोग स्टोमेक में मचा रहे हैं, स्टोमेक वाले पैनक्रियाटिक में मचा रहे हैं, तो पैनक्रियाटिक में स्टोमेक में तो हम लोग मचा दिए पेप्सिन के प्रेजेंस में, अब हम लोग पैनक्रियाज में भी मचाओ ना ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो इसको हम लोग तोड़ के डाइपेप्टाइडेज बना दिए, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड बना दिया, अब डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ो ना, तो अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डाइपेप्टाइडेज। अगर समझ में आ गया हो, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ठोको लाइक। देखो हमने कैसे कर दिया, पहले तो उधर क्लियर किया, अब इधर हमने स्टोमेक में शुरू किया प्रोटीन के डाइजेशन को, स्टोमेक में हमने प्रोटीन के डाइजेशन को करवाया, ठीक है, पेप्सिन के परिजेस में। और प्रोटीन के डाइजेशन को करवा के हम लोग किस किस बात प्रोटीन प्रोटीएसेस एंड पेप्टॉन्स में तोड़ दिया। अब इसको हमने डाइपेप्टाइड्स में तोड़ा, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स किसके प्रेजेंस में? तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड को हम लोग अमीनो एसिड में तोड़ दिए इसमें, तो अमीनो एसिड में तोड़ दिए, तो उसका अमीनो एसिड भी किसके प्रेजेंस में? डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में तोड़ दिए, ठीक है। और अमीनो एसिड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, तो बात खत्म, यहीं पे एनसीईआरटी का खेला हो गया। मजा आया, ठोको लाइक जल्दी यार, एनर्जी चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ आराम से, कुछ ज्यादा अब तक नहीं हो रहा है, आओ जल्दी। एक बात हमेशा याद रखना, प्रोटीन की डाइजेशन कभी भी माउथ में नहीं होती है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन कभी भी माउथ में नहीं होती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टोमेक में होती है, और स्टोमेक के बाद इंटेस्टाइन में होती है। बोलो कोई दिक्कत? स्वीटी मजा आया, जिनको भी मजा आ रहा है यार लाइक ठोको, फटाफट से लाइक ठोको, और थोड़ा सा एनर्जी दो यार, एनर्जी दो। एक भी एनसीईआरटी का लाइन को नहीं छोड़े है। वो एनसीईआरटी के जो कॉम्प्लेक्स वाला पेचीदा वाला लाइन है ना, उसको हमने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा एनर्जी मेरा कम हो गया है। स्वीटी तुमको आने से 1 घंटा पहले से मैं बोल रहा हूँ, क्या है ना कि कुछ मैं डिस्कस करता हूँ बाद में, ठीक है, पहले ये खत्म अब हो ही जाए, अब होने ही वाला है। चलो तो अब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाए, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाए। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ लाइक कर रहे हैं, ओके जस्ट प्लीज। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या एक पॉलीमर ही है ना, तो चलो ना न्यूक्लिक एसिड को तोड़ो ना फटाफट। न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट शुगर, ठीक है, प्लस पेंटोस प्लस प्लस पेंटोस से बन गया, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करो फटाफट से, तोड़ो ना न्यूक्लिक एसिड को। पहले ये बताओ कि न्यूक्लिक एसिड को कहाँ पे तोड़ोगे? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस समय, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड क्या स्टोमेक में टूट रहा था? क्या न्यूक्लिक एसिड स्टोमेक में टूट रहा था? माउथ में तो टूटेगा नहीं, क्या स्टोमेक में टूट रहा था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टोमेक में न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल नहीं टूट रहा था। तो कहाँ टूट रहा था? इंटेस्टाइन में टूट रहा था। तो बताओ इंटेस्टाइन में न्यूक्लियस होगा, और सकस इंटरकस में न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज होगा। सकस इंटरकस क्या है? इंटेस्टाइन में। जो तो चलो जल्दी बोलो, आ गया आ गया आ गया, कौन आ गया? स्वीटी डीएनएस न्यूक्लियोटाइडेस, वो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइडेस पेंटोस शुगर। ओ माय गॉड, टू फिजिक्स स्वीटी, एकदम करेक्ट, ठीक है। देखो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने न्यूक्लियस के प्रेजेंस में कराया, न्यूक्लियस के प्रेजेंस में कराकर न्यूक्लिक एसिड को हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स बनाया, ठोको ताली, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस का न्यूक्लियोटाइड बनाया, न्यूक्लियोटाइड को हम लोग न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम लगाकर न्यूक्लियोसाइड्स बना दिए, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज अब यहां भी प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बना दिए। अब बताओ कि क्या ये एब्जॉर्बेबल है? क्या ये एब्जॉर्बेबल है? तो हाँ है, तो बात खत्म, यहीं पे हम खत्म कर देंगे। ट्यूरो फिजिक्स यार, सीढ़ी हंस रही है। एमर्सन वाला डायरी ना, ओ माय गॉड, ट्यूरो फिजिक्स। और रामलाल आ जा आ जा आ जा। अब फैट को तोड़ दीजिए, फैट को,
फैट को थोड़ा दे, फैट को फैट को फैट को पता है किसके किसके शरीर में फैट है पहले ये बताओ, कौन कौन सा फैटी इंसान है पहले ये बताओ। यार मैं भी फैटी हूँ, मेरे भी शरीर में बैठे बैठे फैट थोड़ी हो गई, एक्सरसाइज इतनी हो नहीं पा रही, बट हाँ नॉर्मल मैं सूर्य नमस्कार जंपिंग योगा ये सब कर लेता हूँ ठीक है। स्वीटी का आंसर आ रहा है मेरे पेट में, गॉन का भी आंसर है ठीक है। बोलते हैं बच्चों को घर बोलते हैं बच्चों को ओहो। तो जिनके जिनके शरीर में फैट है आइए हम लोग फैट को तोड़ते हैं। तो बोलिए फैट बाबा की जय और प्रार्थना करें कि फैट टूट जाए ठीक है। तो चलो फैट सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो फैट सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है तो स्टोमेक में शुरू हो जाता है। तो स्टोमेक का एंजाइम कौन है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज के प्रेजेंट में यानी पैनक्रियाटिक लाइपेज बोलिए फिर गैस्ट्रिक लाइपेज के प्रेजेंट में हो चुकी हूँ आफ्टर 12th। यार स्वीटी कॉमन है यार, होना ही था मुझे पता है सब हो ही रहे, अब उतना तो हो नहीं रहा ना सबको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा बाद में ठीक है। तो फैट पैनक्रियाटिक लाइपेज में डाइग्लिसरिड और मोनोग्लिसरिड दो भाग में टूटती है। अब डाइग्लिसरिड और मोनोग्लिसरिड लाइपेज के प्रेजेंट में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोसेक्राइड है, लेकिन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोसेक्राइड होने के बावजूद भी क्या ये सोल्यूबल है, एब्जॉर्बेबल है या फिर इनएब्जॉर्बेबल है, जल्दी बोलो। हाँ हाँ पैनक्रियाटिक लाइपेज स्वीटी यू आर राइट, पैनक्रियाटिक लाइपेज, मैंने गैस्ट्रिक लाइपेज बोल दिया, मेजर रोल नहीं है बिल्कुल, यू आर राइट पैनक्रियाटिक लाइपेज याद रखो। मैं भी भैया आपके जैसा ही ओके अरे कोई ना, और मुझे नाम से भी बुला सकते हो, मन करे तो भैया बुलाओ, मन करे तो नाम से भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और वैसे तो मैं सबका दोस्त ही, बिल्कुल इनफॉर्मल रहो कोई दिक्कत नहीं। mainly fast digesting being form the small intestine with the pancreatic lipase and the intestinal lipase okay super and fatty acid plus cholesterol is the monoglycerides but it is not absorbable because it is insoluble। अब हम लोग फैट का एब्जॉर्बेशन करवाएंगे, फैट का क्या करवाएंगे, एब्जॉर्बेशन करवाएंगे। फैट को तो हम लोगों ने तोड़ लिया, फैट को हम लोगों ने तोड़ लिया क्या बोलिए हाँ फैट को हम लोग कहते हैं फैट को पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक डाइग्लिसरिड प्लस मोनोग्लिसरिड, फिर लाइपेज का प्रयोग किया, लाइपेज का प्रयोग करके हम लोगों ने फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ लिया ठीक है। अब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोग्लिसरिड बन चुका है, बट मोनो होने के बाद भी ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, तो अब हम इसे को एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो आर यू ऑल गाइस रेडी, करवा दिया जाए एब्जॉर्ब, तो चलो एब्जॉर्ब करवाते हैं ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है ठीक है। तो अब हम इसका इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, तो इमल्सिफिकेशन बाय बाइल, बाइल जूस का हम लोग प्रयोग करते हैं। फटाफट तुम लोग लिखते चलना ठीक है, कोई वेट मत करना क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाद में बताना कि मैंने कैसा एक्सप्लेन किया है ठीक है। मैंने अच्छा किया कैसा किया, ज्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कॉपी, बट मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को मैं रखने वाला हूँ ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन बाय बाइल, मैंने बाइल से इमल्सिफाई करके उसको मिसेल्स में बनाया ठीक है। मिसेल्स में हम लोगों ने प्रोटीन का कोटिंग देकर उसको काइमोमाइक्रॉन्स बनाया ठीक है, काइमोमाइक्रॉन बनाया ठीक है। फिर उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल से ब्लड में जाएगा और ब्लड से टिश्यू में जाएगा, बात खत्म, और ऐसे हो जाएगा। क्या पहले होगा, यस एब्जॉर्बेबल है लिम्फेटिक वेसल, ओ माय गॉड टू वेसल। इमल्सिफिकेशन में बाइल देन मिसेल्स, फिर प्रोटीन कोटिंग होकर काइलोमाइक्रॉन्स बनेगा, काइलोमाइक्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में, एम आई राइट। और अगर सही लगा है तो ठोको ठोको जल्दी टाली ठोको। बाइल से पहले ही बन जाएगा मिसेल्स, देन काइलोमाइक्रॉन, देन डाइजेस्ट होगा ना, हाँ 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 यू आर राइट ठीक है। तो जल्दी लाइट ठोको ना, समझ गया ना।
फैटी एसिड बन जाएगा, देन उसको मिसेल फॉर्म करेगा. ठीक है स्वीटी, या यू आर आल्सो राइट. यार देखो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पे रखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे मैंने रखने की कोशिश किया. आई होप दैट कि यार सब कुछ मैं सही से डिलीवर कर पाया हूँ, ठीक है. थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो आप लोगों ने संभाल दिया है. ट्राइग्लिसरीड को इमल्सिफाई करेंगे तो जब फैटी एसिड बन जाएगा उसको मिसेल फॉर्म करेगा. बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट, जब फैटी एसिड बन जाएगा तो उसको मिसेल फॉर्म. सही है सही है सही है सही है सही है. हाँ देखो ना, मोनोग्लिसरीड ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड इमल्सिफाई कर, ठीक है. फर्स्ट एब्जॉर्बेबल मिसेल्स, या बिल्कुल फर्स्ट एब्जॉर्बेबल मिसेल्स, ठीक है. फर्स्ट एब्जॉर्बेशन यार मिसेल्स होगा ना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है. फर्स्ट एब्जॉर्बेबल यार मेरा सही था यार, तुम लोग कंफ्यूज मत करो, सर ने भी मिसेल्स लिखवाया है, ठीक है. मिसेल्स के बाद सेकेंड एब्जॉर्बेशन काइलोमाइक्रोन, तो मैंने बोला ही था यार प्रोटीन की कोटिंग और गट एपिथेलियम में सर बनाया, सेकेंड एब्जॉर्बेशन काइलोमाइक्रोन, ठीक है. उसका लिम्फ वेसल में जाएगा जहां पे लैक्टियल्स लिम्फ कैपिलरीज ये सब होंगे, ठीक है. लिम्फ वेसल से ब्लड एंड देन ब्लड से ट्रेफ टिश्यू, मेरा सही है यार. हम नहीं जानते, हम नहीं जानते. अब अगर मेरा गलती बोलो तो हम रो देंगे, ठीक है. मेरा सही है, हम नहीं जानते. कंफ्यूज मत करो, कि तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो यार, तुम लोग कुछ भी बोलते तो मैं कंसिडर करता हूँ. अब इसका इसका ये मतलब नहीं कि बाबर मजाक कर रहे हैं, ठीक है. जल्दी खत्म करना है, जल्दी 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 जल्दी. मिसेल देन काइलोमाइक्रोन, अब सही हो सुटी, अब सही है तुम्हारा. पहले क्या बोली थी तू, काइलोमाइक्रोन देन मिसेल. फर्स्ट एब्जॉर्बर मिसेल एंड देन काइलोमाइक्रोन, कि मैं गलत समझ रहा था. थोड़ा कुछ डाउट है, तुम्हारा बाइल वाला डाउट आ रहा है ना, ठीक है. सही है, तुम वहां जो भी समझो सही है, ठीक है. बाइल का ही प्रयोग होगा तब ना टूटेगा ये चीज, तब ना तुम उसको पहला फॉर्म में लाओगे. आखिर तुम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इमल्सिफाई कर रहे हो तो किसके प्रेजेंस में कर रहे हो, बाइल के ही ना प्रेजेंस में कर रहे हो. चलो मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो देखो हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया इस चैप्टर में. देखो ये चैप्टर पता है, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है. आज हम लोगों ने मजे से कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. मैंने ट्राइग्लिसरीड से मिसेल देन काइलोमाइक्रोन कहा. अच्छा 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 स्वीटी, यू आर राइट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है. देखो तो मेन चीज क्या है ना, कि समझ ही नहीं पाते इस चैप्टर में हो क्या रहा है. इस मैं भी नहीं समझ पाया था यार एक बार, ठीक है. इस चैप्टर में हो ये रहा है कि पहले डाइजेशन हो रहा है, ठीक है. डाइजेशन होके एब्जॉर्बेशन हो रहा है, एब्जॉर्बेशन होके क्या हो रहा है, डिफ्यूजिएशन हो रहा है, ठीक है. डिफ्यूजिएशन होके क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, ठीक है. एसिमिलेशन का मतलब क्या है, जरूरी सामान ब्लड के सेल में पहुंचाना, दैट इज नोन एज, जो भी जरूरी सामान है सबको तोड़ फाड़ करके ब्लड के सेल तक पहुंचाना, दैट इज नोन एसिमिलेशन. डिफ्यूजिएशन का मतलब क्या है, अब जो तोड़ोगे, जो बड़े फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में तोड़ रहे, छोटे छोटे पार्टिकल में जिसको हम लोग जैसे ग्लूकोज में, तो वहां कुछ इनऑब्जर्वेबल सब्सटेंस भी होगा, गलत सब्सटेंस भी होगा, मतलब जो कि अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, उसी को तुम डिफिशिएशन करके बाहर निकाल रहे हो. मैंने दो बार वीडियो देखा तब समझा, सॉरी मैंने दो बार नहीं देखा, मैंने एक बार देखा तो हाँ इस बार भी देख ली तो दो ही बार को बना रहा, लेकिन इस बार मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा बैठ के पढ़ाई किया, ठीक है, और उसको तोड़ फाड़ करके एनसीईआरटी कंफ्यूज कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है. तो मेनली डाइजेशन एक्टिंग ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बिकॉज बिकॉज इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो सिग्निफिकेंस डाइजेस्टिव एक्टिविटी. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया. तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क है, क्या रोल है, जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है. फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यही है कि फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है, और मिनरल को भी कर रहा है, कुछ ड्रग्स को भी कर रहा है. इसको हमें टाइम नहीं देते, मैं पढ़ते चलता हूँ समझाते चलता हूँ, ठीक है. सीक्रेट म्यूकस फॉर द एडजरिंग द वेस्ट पार्टिकल टुगेदर द लुब्रिकेटिंग फॉर द इजी पैसेज ऑफ द गंदगी पदार्थ, ठीक है. मतलब सीक्रेट द म्यूकस फॉर द एडहरिंग वेस्ट, वेस्ट को पकड़ सके, वेस्ट को एक साथ ला सके, ठीक है, एंड पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर द पैसेज ऑफ द गंदगी पदार्थ, ठीक है. बात खत्म, आगे मूव करते हैं, ठीक है, हो गया, आई थिंक यहां तक हो गया.
देखो फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूड और अल्कलाइन फूड फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कॉल्ड काई, सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं ठीक है। द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज लाइक द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर द कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म, ये मैंने उस चैप्टर से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेट किया है ठीक है। द साइट स्मॉल और द प्रेजेंस ऑफ द फूड स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ द फूड ठीक है इन द बकल कैविटी एंड स्टिमुलेट द सलाइवरी सेक्रेशन, बिल्कुल गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेक्रेट द डाइजेस्टिव हार्मोन ठीक है, दे कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, ये सब हो गया है मैंने, हम लोगों ने इसका चर्चा कर लिया है ठीक है। अब एब्जॉर्बेशन पे हम लोग मूव करें। एंड गाइस इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन और सी द टाइम टेबल, वी ऑल आर हियर स्टूडेंट, तो हम लोग एक इनफॉर्मल टॉक कर रहे हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ मैंने अपडेट कर दिया कि किस दिन किस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब एब्जॉर्बेशन पे आ जाते हैं ठीक है, सुटी गोहन एब्जॉर्बेशन पे आ जाते हैं। आप बोलो, मैं डिनर कर लेती हूँ, अभी मैंने डिनर नहीं किया, भूख लगा है, मेरा टिफिन कहाँ है, मेरा टिफिन यहाँ पड़ा हुआ है, मैं खाना खाऊंगा फिर मैं उसके बाद आ जाऊंगा और तुम सब ने साथ ही रहना ठीक है। 10 बजे से स्ट्रीम हम लोग ऑन करेंगे, 10 बजे से 1-2 बजे तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलो एब्जॉर्प्शन में आ जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में सिंपल डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सिंपल यार देखो, ये ट्रांसपोर्ट इंप्लांट वाला सेम कॉन्सेप्ट ठीक है, तो इसको मैं पढ़ ही देता हूं, क्या बोलोगे। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन का यूज हम लोग करते हैं ठीक है, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड सब में होगा, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो ठीक है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड सब में होगा ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, क्लोरीन स्पेशल होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम स्पेशल होगा ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रहा होगा ठीक है, बात खत्म, समझ के सब, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल डिफ्यूजन को और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को पैसिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। अब किस चीज की एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, एब्जॉर्प्शन माउथ में किस चीज की हो रही है, कुछ सर्टेन ड्रग्स ही हो रही है, स्टोमक में वाटर सिंपल शुगर सब्सटेंस, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर ड्रग एंड सम मिनरल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक ठीक है, मैं इसको समझाते चलता हूँ आप लोगों को ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन माउथ में हम लोगों ने कर लिया, कुछ ड्रग्स की हो रही है स्टोमिक में, वाटर सिंपल शुगर, अल्कोहल की हो रही है स्टोमिक में, अल्कोहल, आहा हा, अल्कोहल का नाम सुनते ही आहा हा फीलिंग आ जाती है ना, आ जाती है ना, किसको किसको आहा हा फीलिंग आती है अल्कोहल के नाम सुनते ही, सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, एक्चुअली मम्मी चिल्ला रही है डिनर करने के लिए, ओके कोई ना, आपका मैसेज यार लेट आ रहा है, पता नहीं क्यों इंटरनेट कनेक्शन इशू है आई थिंक। अब एसिमिलेशन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज रिच होता है कहां पे, टिश्यू में, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम लोग टिश्यू में पहुंचा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज एग्जांपल लिए ठीक है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन ठीक है। अब टिश्यू जो है उसको यूटिलाइज करेगा, टिश्यू यूटिलाइज करेगा एब्जॉर्प्शन ठीक है, टिश्यू विल यूटिलाइज। डिफ्यूजिएशन, तो इजेशन ऑफ द फीसेस टू द आउटसाइड, दैट इज नोन एज डिफ्यूजिएशन ठीक है। इसमें किस चीज का काम हो रहा था, कौन कौन सा म्यूकस व्यूकस, ये सब उन्होंने चर्चा कर लिया है ठीक है। अब कैलोरोफिक वैल्यू पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है। कैलोरोफिक वैल्यू पे चर्चा करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रोस कैलोरोफिक वैल्यू बताओ और कार्बोहाइड्रेट का फिजियोलॉजिकल वैल्यू बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रोथ वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी एंड फिजियोलॉजिकल है 4 किलो कैलोरी। कार्बो प्रोटीन का ग्रोथ कैलोरिफिक वैल्यू है 5.65 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन का फिजियोलॉजिकल है 4 किलो कैलोरी ठीक है। फैट का है ग्रोथ कैलोरिफिक वैल्यू 9.45 किलो कैलोरी एंड फैट का फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी ठीक है, यहीं पे खत्म। अब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम, तो सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग 10 मिनट बात करेंगे, डिसऑर्डर को देख ले। पहले ये बताओ, मजा आया सबको या सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है ठीक है, स्वीटी का सही, और का सही, मजा आया तो लाइक ठोको यार,
बहुत एनर्जी भर गया है, एक एक एनसीईआरटी का लाइन डिस्कस कराए हैं, तो टेस्ट में सब इसको फोड़ के आओगे इस चैप्टर में, मुझे पता है। एंड कल मॉर्निंग में गाइस टेस्ट देने से पहले 10 से 11 या फिर 11 से 12 टेस्ट बाद में देना, टेस्ट आराम से 3-4-5 बजे के बाद ही देना सर, नहीं 3-4-5 बजे नहीं 1 बजे से दे देना, क्योंकि मैं भी 1 बजे से देने बैठूंगा, उसके बाद मुझे मंदिर जाना है। पहले जल्दी लाइक ठोको यार, लाइक ठोको, आई नीड लाइक, आई नीड लाइक, तब मैं लास्ट टॉपिक कराऊंगा। और पता है पूरे जीवन भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वाला आता है ना कंफ्यूजन सबको, किसको किसको क्वासिक्वार और मेरेस्मस में कंफ्यूजन होता है, जल्दी बताओ। क्वासिक्वार एंड मेरेस्मस में किसको किसको कंफ्यूजन होता है? आज के बाद नहीं होगा, मेरा क्लियर है, मेरा अच्छा से पढ़ा है, गोहन से मैंने एक वीक पहले किया था भैया, आज बिना चैप्टर रिवाइज करे आया हूँ, आपकी बट आपकी वजह से पूरा याद था, थैंक्स। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर को 7वीं बार पढ़ रहा हूँ इस साल, मुझे ये चैप्टर याद है यार हर जगह। हाँ कोई कोई पॉइंट मेरा भी मिस हो रहा है और होता है, लेकिन याद है मुझे, ठीक है। देखो डिसऑर्डर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, तो क्या है क्वासिक्वार और मेरेस्मस। तो देखो क्वासिक्वार और मेरेस्मस में सुनने में क्या लग रहा है, मेरेस्मस माने मरा हुआ, क्या लग रहा है मरा हुआ, बिल्कुल। क्वासिक्वार मतलब थोड़ा इज्जत है, ठीक है, तो प्रोटीन की कमी तो दोनों में है, चाहे वो क्वासिक्वार है या फिर मेरेस्मस है, लेकिन वो मेरेस्मस मरा हुआ है, ठीक है, तो कैलोरी की कमी मेरेस्मस में है, कहा है कैलोरी की कैरी मेरेस्मस में है, कैलोरी नॉर्मल है, कहां पे क्वासिक्वार में नॉर्मल है। तो अब मान लो क्वासिक्वार में कैलोरी नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तभी तभी ना वहां ओडिमा देखने को मिलेगा। अब जो मरा हुआ है उसमें ओडिमा कहां, उसका पेट कहां से खुले, उसमें स्लोइंग कहां से होगा, तो जो मरा हुआ पूरा मरा हुआ है उसका कुछ स्लो नहीं होने वाला है, तो उसका ओडिमा, ओडिमा एब्सेंट इज मेरेस्मस, तो ओडिमा कहां प्रेजेंट है क्वासिक्वार में। अब क्वासिक्वार थोड़ा हष्ट पुष्ट आदमी, थोड़ा है उसमें कुछ, थोड़ा उसमें कैलोरी है, तो एक साल से बड़े बच्चों में होगा, जो मरा हुआ है वो एक साल से छोटे बच्चों में होगा, बोलो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलोरीज इन मेरेस्मस बिल्कुल कम होता है, क्वासिक्वार मोर देन द 1 ईयर चाइल्ड, मेरेस्मस इज द लेस देन 1 ईयर, ठीक है, बस मैंने सब कुछ बोल ही दिया। अब डिसऑर्डर पे आ जाते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस को हम लोग बोलते हैं पीलिया, और पीलिया किस चीज से होता है, पीलिया बिलोग्रीन के डिपोजिशन से होता है, बिलोग्रीन बढ़ जाने से होता है, डिफिशियंट इन लीवर, लीवर में कमी हो जाता है, बिलोग्रीन का डिपोजिशन हो जाता है, तो आई स्किन ये सब पीला पड़ने लगता है, ना भी इसका पीलिया है, कभी भूलोगे नहीं भूलोगे, ठीक है, इसीलिए इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफिशियंट इन लीवर, डिफिशियंट इन लीवर माने लीवर में कमी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। वोमिटिंग, वोमिटिंग से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वोमिट सेंटर कहाँ है, मेडुला में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इजेक्शन ऑफ द स्टोमिक कंटेंट थ्रू द माउथ, दैट इज नोन एज वोमिटिंग, वोमिटिंग सेंटर, वोमिट सेंटर इन द मेडुला, मेडुला ऑब्लॉन्ग का, ठीक है। उसका डायरिया में आ जाओ, डायरिया से क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, इस डायरिया से मैच द फॉलोइंग में बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डायरिया कॉन्स्टिपेशन में कहा है, डायरिया का मतलब बाढ़ आ जाना, पूरा बाढ़ आ जाना, ठीक है, यानी लिक्विड एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द of the flow available abnormal frequency and the movement, ठीक है, डायरिया होता है, increase the liquidity and the fecal discharge, ठीक है, और constipation क्या करता है, decrease कर देता है, ठीक है, decreases the retention and retain within the colon, blow movement and occur irregularly, ठीक है, indigestion, improper digestion of the food, feelings of the fullness,
और इंडाइजेशन कब होता है, जब आपको फुलनेस फील होता है, जब आप बहुत कुछ खा लेते हो, दबा कर खा लेते हो, किसी पार्टी में गए, शादी में गए, दबा कर खा लिए, मिर्च वाला खा लिए, इंडाइजेशन होता है। इसी के साथ चैप्टर डाइजेस्ट हो गया, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर डाइजेस्ट हो गया, बात खत्म। अब मेरे भी बाल धीरे धीरे आ रहे हैं, मैंने बाल जो हटवाया था बाल आ रहे हैं, ठीक है। निखिल चौधरी अब बता रहे हैं कि बोर कर रहा है। निखिल बोर मैं कर रहा हूँ यार, बिल्कुल मुझे पता है बोर कर रहा हूँ। अब बोर मत हो, अब हम लोग का चर्चा हो चुका है तो अब बोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए तो बोर हो रहे हो ना। जो भाई रेगुलर आते हैं उनको पता है ना कि बोर नहीं होना है, तुम पहले आओ, ठीक है, आराम से स्टडी विथ मी सेशन करो, ठीक है, साथ रहो तब बोरिंग फील नहीं होगा। एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहो तब बोरिंग फील नहीं होगा। और हालांकि बिल्कुल ये मतलब मैंने तुम पे पर्सनल कमेंट नहीं किया, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में से अगर टाइम टेबल देख लेना, चलो ठीक है। स्वेटी और बताओ, आप बताओ आप कैसे हो, एंड गोहन आप बताओ आप कैसे हो, ठीक है। चलो थोड़ा चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए, एक इनफॉर्मल टॉक हो जाए, फिर हम लोग मिलते हैं। जल्दी मैं खाना खा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ही हम लोग समाप्त करते हैं, खाना मैं खा कर आ रहा हूँ फटाफट से। हमारा IIT बॉय एकदम एक्टिव है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करता है। IIT बॉय से हम सबको सीखना चाहिए यार, मतलब फ्यूचर JARH 11th में होकर हड़बड़ाया रहता है कि भाई कैसे खत्म कर दे, 12th भी फटाफट कैसे निपटा दे, 2-3 महीने में कैसे करते, ठीक है, एकदम हड़बड़ाया रहता है। और अच्छा भी मार्क्स कर रहा है, अच्छा है। ओह माय गॉड, टू फिजिक्स, आपने खा लिया, स्वीटी ने खाना खा लिया, तो अब मुझे आप लोग इजाजत दो कि मैं खाना वाना खा कर आऊं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। 10 बजे से 2-3 बजे तक लेंगे हम लोग सेशन को, उसके बाद हम लोग सोने चलेंगे, फिर मॉर्निंग में लेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल यार, और स्वीटी और मैं सबको बोल रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग स्ट्रीम पे यार मौजूद रहो, ठीक है। अब स्ट्रीम को लाइक करो और स्ट्रीम पे मौजूद रहो, क्योंकि यार फटाफट से स्ट्रीम अपना चलना ही चाहिए। आई नीड यार तुम सबकी सपोर्ट मुझे है। और डिस्कॉर्ड वाला भी बस तुरंत कास्ट हो गए, डिस्कॉर्ड का भी मैं कल सेटिंग कर लेता हूँ, तो टॉप 5 को मैं कास्ट करता ही। तो चलो मैं आता हूँ, मैं ऑफ करूँ, मैं आऊँ खाना वाना खाकर। अच्छा एक मिनट, JARH कब से IITN हो गया? ओह माय गॉड, जे एडवांस रैंक होल्डर फुल फॉर्म। पता है लिटरली 2 घंटे में सब कुछ रिवीजन हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ छूटा है, सब रिवीजन हो गया, एक एक चीज रिवीजन हुआ है ना कहाँ NCERT का। और जो छूट भी रहा था आपने मुझे बता ही दिया, 142 वाला पॉइंट बता ही दिया, एक दो जगह मैं लड़खड़ाया आपने सही कर ही दिया, ठीक है, सिटी ने भी सही किया। चलो अपना स्ट्रीम भी सीरीज हो चुका है, ठीक है। आई होप दैट कि मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही हो। नहीं नहीं सीरीज नहीं हुआ, ठीक है, चलो लेकिन हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा टू यू ऑल, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं, ठीक है। खाना वाना खाकर मैं 10 या फिर 10:30 तक मैं आता हूँ, ठीक है, या तो आधे घंटे में या फिर मैं 1 घंटे में आता हूँ, आराम से हम लोग 2-3 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। और सपोर्ट बनाए रखोगे, प्यार बनाए रखो अपना। जय श्री कृष्ण टू यू ऑल।